picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Safe and sound after all this time. You gotta do what you gotta do to put your heart.
जीके का जो ग्रैंड फाइनल का जो पहला मैच है गाइस, पहला मैच हम लोग को देखते हैं गाइस। पहला मैच के ऊपर बात करेंगे, पहला मैच का जो प्लेस पास है गाइस उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पहला मैच का प्लेस पास देखने मिलेगा हम लोग को मेंशन से, क्वाइड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस पास। अब बात करेंगे आज का जो पहला मैच है, पहला मैच के अंदर 15 टीमों के साथ 57 प्लेयर का जो लॉबी है हम लोग के सामने देखने मिल चुका। बट देखना पड़ेगा आज का जो मैच है, आज का जो इरांगल का जो पहला मैच है गाइस, पहला मैच का प्लेन पार्ट गाइस उड़ान भर चुका। बात करेंगे प्लेन पार्ट एक बहुत ही बेहतरीन एक सेंटर प्लेन पार्ट देखने मिलेगा हम लोग का। हम लोग बात करेंगे ये जो गाइस आज का जो मैच है, मैच के अंदर 15 टीम 57 प्लेयर के साथ हम लोग को आज का इस मैच में शुरुआत होता है। देखना पड़ेगा कौन से टीम आज का जो पहला मैच है गाइस, पहला मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त गेम प्ले अपने टीम के लिए दिखाता है। जितनी ज्यादा टीम को देख रहे हो इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तरह से इस टीम को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। लेट्स गो गाइस, बात करेंगे आज का पहला मैच कौन सी टीम एक जबरदस्त गेम प्ले से शुरुआत करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे टीम नंबर 7 के बारे में, फिर तो टीम नंबर 7 का स्क्वाड अपने आप को लेकर जाएगा लिप अप का एरिया के अंदर। फिर तो टीम नंबर 7 की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन लूट देखते हैं मिलेगा हम लोगों का टीम नंबर 7 का जो पूरे जो टीम है लिप अप के अंदर अपने आप को एक बढ़िया लूट के अंदर लेकर जाएगा। बट दूसरी आपसे हम लोग बात करें सारी टीमों के बारे में, सारी टीम एक एक करके अपने आप को आपने अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ लेके जाने की जो कोशिश है वो भी कर चुका। बट देखना पड़ेगा आज का जो पहला मैच है, पहला मैच कौन सी टीम एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त शुरुआत करता है। एक सेकेंड गेम साउंड थोड़ा कम करता हूँ, चलो ठीक है अभी। फिर गाइस बात करेंगे आज का सर्कल के बारे में, आज का सर्कल किस तरीके से देखने के लिए मिलता है हम लोग गाइस वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ गाइस बात करेंगे पोचिंगी के एरिया के अंदर हम लोग को ड्रॉप क्लास देखने को मिलेगा। बात करेंगे याशोपी के बारे में, फिर हाइपर याशोपी अकेला प्लेयर पोचिंगी के अंदर अपने आप को लेकर आएगा टीम नंबर 10 के सामने। बात देखना पड़ेगा अकेला प्लेयर इस ग्रैंड फाइनल के मंच के अंदर गाइस एक अकेला प्लेयर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन कितने बेहतरीन दिखा पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। फिर तो बात करेंगे टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 11 के बीच जो फाइट है, फाइट हम लोग को बहुत ही जल्दी शुरुआत होते देखने मिलेगा। अकेला प्लेयर टीम नंबर 11 के इस अकेले प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आएगा। बट देखना पड़ेगा अकेले प्लेयर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन कितना बेहतरीन दिखा पाएगा टीम नंबर 10 का चार चार प्लेयर के सामने। बट बात करेंगे सर्कल के एरिया के बारे में, आज का जो पहला सर्कल है गार्ड का पोचिंग इंक्वायरी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल। दूसरी तरफ बात करेंगे टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर हम लोग बात करें 14 के बारे में, पहले तो 4v4 का जो फाइट है फाइट इन शुरू हुआ। टीम नंबर 17 का एक प्लेयर को टेक डाउन बहुत ही बढ़िया टीम नंबर 14 शुरुआत कर चुका अपने फिनिश के साथ। हम लोग बात करें टीम नंबर 14 का स्क्वाड इस फाइट को डिसएंगेज करने की कोशिश करता, बट फिर से आ तो देखने को मिलेगा टीम नंबर 17 के ऊपर जो रश है जो सलामी ने ले चुका है टीम नंबर 17 का इस प्लेयर के लिए बनेगा दिक्कत अपने आप को इस मैच के अंदर। टीम नंबर 17 का स्क्वाड कैसे बचा पाएगा, बट दूसरी तरफ पैराडॉक्स को पैन करके फिनिश किया जाएगा टीम नंबर 17 का एक प्लेयर का हो चुका है कैजुअलिटी। बात करेंगे टीम नंबर 17 का स्क्वाड अपने एक टीममेट को गवा के आखिरी तीन प्लेयर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन किस पकड़ दिखा पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे बाकी तीन प्लेयर इस फाइट को डिसएंगेज करके अपने आप को एक बढ़िया रोटेशन के अंदर लेके जाएगा। टीम नंबर 17 का एक पहला एक अलग कैजुअलिटी देखने मिलेगा अगर रोटेशन के बीचों बीच एक प्लेयर को गवा चुका। बट दूसरी तरफ से गाइस बात करें टीम नंबर 14 के बारे में, टीम नंबर 14 के तरफ से एक बढ़िया शुरुआत देखने को मिलेगा। शुरुआत के अंदर एक फिनिश के साथ अपने आप को एक बढ़िया रोटेशन के अंदर लेकर जाएगा कि बढ़िया लूट के अंदर टीम नंबर 14 को देखने को मिलेगा। बट दूसरी तरफ से फाइट की बात करेंगे यासना के अंदर हम लोग को टीम नंबर 4 का लूट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से मिल्टा के एरिया के अंदर टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 5 की बात करेंगे, टीम नंबर 5 हाइपर का स्क्वाड, फिर तो टीम हाइपर का स्क्वाड अपने आप को लेकर जाएगा फार्म के एरिया के अंदर। फिर तो बात करेंगे दूसरी आपसे हम लोग को राजा गेमिंग सोसाइटी को, फिर तो राजा गेमिंग सोसाइटी को नौ को तो देखने मिलेगा। बट बात करेंगे जो फाइट है फाइट की बात करेंगे, फिर तो गाइस फाइट होते हुए देखने मिलेगा टीम नंबर 6 के हिसाब से, फिर तो राजा गेमिंग वाइट को नॉक करके पंच करके फिनिश किया जाएगा। टीम नंबर 6 का भी एक कैजुअलिटी देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 6 अपने एक प्लेयर को गवा चुका, अपने एक प्लेयर को गवा के तीन प्लेयर अपने आप को स्टॉल वर्क के रोटेशन लूट के अंदर लेके जाएगा। स्टॉल वर्क के अंदर जो लूट है टीम नंबर 6 के हिसाब से वो भी देखने के लिए मिलेगा। टीम CSG स्पोर्ट्स का जो स्क्वाड है देखने के लिए मिलेगा अपने एक टीममेट को शुरुआत के अंदर गवा के आखिरी तीन प्लेयर अपने आप को कुछ बढ़िया लूट के अंदर लेके जा चुका। बट देखता हूँ आज का जो मैच है इरांगिल का पहला मैच कौन से टीम एक बढ़िया शुरुआत निकाल देगा वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से बात करेंगे टीम नंबर 18 के जो रोटेशन है रोटेशन के अंदर दिक्कत आएगा जिसके साथ ब्लास्टर को टेक डाउन ब्लास्टर हो चुका है नॉकडाउन। दूसरी तरफ से और डाउन बार अपने इस्तेमाल करके एक प्लेयर को डाउन किया। बट नियो भी आला टीम नंबर 18 देखते देखते अपने दो प्लेयर को गवा चुका। बट बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन बाइकर का इस्तेमाल करके टीम नंबर 16 का दो प्लेयर को टेक डाउन। टीम नंबर 18 के ऊपर दबाव आएगा टीम नंबर 18 का स्क्वाड दिक्कत पे आ चुका इसके साथ
और एक प्लेयर का अलामत निशान आखिरी प्लेयर टीम नंबर 18 का अपने आपको कैसे बचा पाएगा। वन वन का फाइव टीम नंबर 16 के स्पॉटेड करके मारने की कोशिश, बट देखना पड़ेगा आखिरी प्लेयर का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज। टीम नंबर 18 का बचना दिक्कत हो चुका है इसके साथ टीम नंबर 18 को। अलामत निशान बहुत ही बेहतरीन शुरुआत टीम नंबर 16 का स्क्वाड बिना कोई कैजुअलिटी के साथ चार फिनिश के साथ शुरुआत करेगा इस मैच का। दूसरी तरफ से टीम नंबर 18 का एक अल्ली एलिमिनेशन देखने को मिलेगा हैशटैग 15 पे जीरो फिनिशेस के साथ। हम लोग फाइट की बात करेंगे, फाइट देखने को मिलेगा दूसरी तरफ से टीम नंबर 9 के बीच। फिलहाल तो टीम नंबर 9 का स्क्वाड एक बढ़िया फिनिशेस उठाएगा, दो फिनिश बिना कोई कैजुअलिटी के साथ उठा चुका है। दूसरी तरफ से टीम नंबर 4 की बात करेंगे, टीम नंबर 4 का कैजुअलिटी देखने को मिलेगा इस फाइट के बीचों बीच। टीम नंबर 4 का एक प्लेयर का हो चुका है सफर खत्म। बात करेंगे गाइस यासना के फाइट के बारे में। यासना के अंदर दो दो अंडरडॉग टीमों को देखने को मिलेगा टीम नंबर 4। शुरुआत के अंदर अपने एक टीममेट को गवाना आई थिंक गाइस थोड़ी भारी पड़ सकता है। बात करेंगे टीम नंबर 4 रेवेंज लेने की कोशिश करेगा, टीम नंबर 9 के ऊपर हमला बोलने की कोशिश किया जा रहा है। बट देखना पड़ेगा टीम नंबर 4 का जो प्लेयर का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस प्लेयर के पास एक बहुत बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल देखने को मिलेगा जो टीम नंबर 9 के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। बट देखना पड़ेगा अकेला प्लेयर अपने आप को एक एम हाथों में एक एम लेकर टीम नंबर 9 के सामने बढ़ने की कोशिश। बट देखना पड़ेगा जो फाइट है 4v3 का फाइट। बात करेंगे मोनोटॉप के बारे में, पहले तो मोनोटॉप किया जाएगा विजय के ऊपर एंड देखना पड़ेगा अपने अपनी ग्रेनेड एंड मोनोटॉप से गाइस कितना बेहतरीन कनेक्शन मिलने वाला है टीम नंबर 4 को। चलिए जितने भी जनता इस टीम को देख रहे हो अगर इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर फटक से अगर इस टीम को लाइक करो एंड उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। एंड हम लोग चलते तो गाइस बात करेंगे गाइस डीमोन डीमोन के तरफ से स्मोक का इस्तेमाल किया जाए जंप एंड फिश करते आगे यानी कि कुछ बात इम्पोर्ट का एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। डीमोन को नॉक किया जाएगा इसके साथ हम लोग को देखने को मिलेगा घोस्ट वाड़ी के तरफ से बेहतरीन शॉट एक बंदे को नॉक किया। दूसरी आपसे बात करेंगे गॉडल का जी गॉड को देखने को मिलेगा, जी गॉड अपनी टीम को इस हालात में कैसे बचा पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी आपसे जी गॉड के ऊपर रैंडम शॉट आएगा, जी गॉड दिक्कत में आ चुका है। जी गॉड के बात करेंगे बाइजोन एंड M762 के इस्तेमाल करने की कोशिश, बट देखना पड़ेगा जो फाइट है गाइस अभी भी फाइट के अंदर बहुत ही कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। टीम नंबर 9 का स्क्वाड लिटरली पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है, बट अपने टीममेट को दिया जाएगा रिवाइव एंड गाइस स्मोक के आर पार से जी गॉड के तरफ से बाइजन का इस्तेमाल, बंदे को हेडशॉट देके नॉक किया जाएगा। फिर घोस्ट वाइटी के ऊपर गाइस जो शॉट था गाइस लाजवाब शॉट स्मोक के आर पार हम लोग को एक शॉट देखने को मिलेगा जो गाइस घोस्ट वाइटी को नॉक करेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 4 का स्क्वाड गाइस पूरी तरीके से बैकफुट में जा चुका। बात करेंगे नॉक्स स्टेज आखिरी सिंगल प्लेयर अपने आप को हीलिंग्स की तरफ लेकर जाएगा। बात करेंगे नॉक्स स्टेज आखिरी प्लेयर अपने आप को इस मैच के अंदर गाइस किस तरीके से बचा पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे स्टेज के बारे में, स्टेज अपने आप को हीलिंग्स कर चुका, बूस्टेड भी किया जा चुका है, बट अपने आप को इस फाइट को डिसंगेज करके अपने आप को फॉल बैक लेके जाएगा। एंड आई थिंक मेरे को नहीं लगता अपने दो टीममेट को रिवाइव दिया जा सकता, बट देखना पड़ेगा अपने टीममेट आखिरी प्लेयर क्या खेलने की कोशिश करेगा या इस फाइट को जुड़ते हुए देखने को मिलेगा। पहले तो बात करेंगे स्टेज के बारे में, नॉक्स स्टेज आखिरी सिंगल लौता प्लेयर अभी तक फाइट लेने की कोशिश। जीगॉड के ऊपर बहुत ही बढ़िया कनेक्शन एम्पोर्ट का इस्तेमाल करके जीगॉड को डैमेज दिया जाएगा, बट देखना पड़ेगा आखिरी प्लेयर के ऊपर कुछ दबाव आएगा। आखिरी प्लेयर अपने आप को बहुत ही जल्दी इस फाइट को डिसंगेज करके अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेगा। पहले गाइस देखना पड़ेगा आज का जो मैच है टीम नंबर 4 का स्क्वाड अपने प्रदर्शन आखिरी प्लेयर किस तरीके से दिखा पाएगा। पहले गाइस जितने भी जनता इस टीम को देख रहे हो अभी तक इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से इस टीम को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। एंड गाइस पहले तो हम लोग गाइस बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल पहला सर्कल का जो स्टार्टिंग है गाइस वो भी देखते हैं, बात करेंगे पहला सर्कल का जो स्टार्टिंग है गाइस सर्कल स्टार्टिंग ले चुका है एंड देखना पड़ेगा इसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल का जो करवाड़ है गाइस किस तरीके से देखने को मिलता है। दूसरी सर्कल हार्डशिप या नॉर्मल शिप लेता वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे आज का पहला सर्कल के अंदर 14 टीम 48 प्लेयर अभी भी अलाइव, बट बात करें टीम नंबर 9 का स्क्वाड एक लाजवाब शुरुआत बिना कोई कैजुअलिटी के साथ हम लोगों का चार फिनिश के साथ एक शुरुआत देखने को मिलेगा टीम नंबर 9 का। एंड देखना पड़ेगा फिलहाल तो कैसे जो आखिरी प्लेयर है आखिरी प्लेयर दबाव पे देखने को मिलेगा जी गॉड अपने बाइकल का इस्तेमाल करके फिर आखिरी प्लेयर को खोजने की जो कोशिश है वो भी देखने को मिल चुका। टीम नंबर 4 का आखिरी प्लेयर नॉक्स स्टेज अपने टीम को कुछ इस ग्रैंड फाइनल का पहला मैच के अंदर कुछ प्लेसमेंट पॉइंट दिलाने की कोशिश करेगा, बट देखना पड़ेगा। बात करेंगे सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिल चुका है, सर्कल के बाहर की बात करेंगे टीम नंबर 13 टीम नंबर 7 टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 2 अभी तक प्ले जोन के बाहर है। मैं तो साइड टीमों को कोशिश करना पड़ेगा अपने आप को प्ले जोन के एरिया के अंदर लेके आने का। एंड फिलहाल तो गाइस पहला जो सर्कल का शिफ्ट फिलहाल तो कोई भी टीम के लिए ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने के लिए। बट बात करेंगे गाइस नेक्स्ट सर्कल के बारे में, आज का जो दूसरा सर्कल है गाइस किस तरीके से करवाट लेता वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी आपसे टीम नंबर 9 का जी गॉड अभी भी अपने व्हीकल का इस्तेमाल करने की कोशिश, अभी भी टीम नंबर 4 का आखिरी प्लेयर को ढूंढने की जो कोशिश है गाइस वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे नॉक्स स्टेज एक भी गलती करेगा एक छोटी मोटी गलती करेगा तो इसका बचना गाइस बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है।
एंड हम लोग गाइस फिलहाल तो बात करेंगे सारी टीमों के हिसाब से रोटेशन। टीम नंबर 12 का स्क्वाड भी अपने आपको रोटेशन के अंदर लेके आएगा। टीम नंबर 10, टीम नंबर 8 की बात करेंगे, सारी टीम पूछेंगी कि अराउंड के अंदर कैसे हम लोग को फिलहाल तो देखने मिल रहा है, बट देखना पड़ेगा ये जो रोटेशन है गाइस सारी टीमों का पूछेंगी के अंदर से। फिर तो पूछेंगी के अंदर से हम लोग को बहुत ही जल्दी जो फाइट इनिशिएटिव है गाइस वो भी देखने मिलेगा, बट देखना पड़ेगा आज का पहला मैच कौन सा टीम ताज पहन के जाएगा चिकन डिनर का, वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे टीम नंबर 4 का, नॉक्स स्टेज पूरी तरह से दबाव पे आ चुका है, आखिरी प्लेयर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा डोमिनेशन। टीम नंबर 9 के साथ से देखते हैं मिलेगा शुरुआत के अंदर, बिना कोई कैजुअलिटी के साथ चार चार फिनिश के साथ शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ से फाइट की बात करते करते याशोबी के साथ से एक बढ़िया टेक डाउन देखते हैं मिलेगा। बात करें याशोबी के बारे में, क्या तो याशोबी अपने एकेएम का एक बढ़िया इस्तेमाल करते हैं फिनिश करेगा। टीम नंबर 10 का पहला कैजुअलिटी देखने को मिल चुका। बात करेंगे टीम हाइपर एक्स याशोबी के बारे में, अकेला प्लेयर टीम नंबर 10 के लिए कैसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक कर चुका है। टीम नंबर 10 के बात करेंगे, टीम नंबर 10 का तीन तीन प्लेयर को देखने को मिलेगा। बात करें हिटमैन राबान एंड गाइस डियोस को, आखिरी तीन तीन प्लेयर को देखने को मिलेगा पोचिंगी के अंदर। टीम हाइपर के सामने फाइट लेने की कोशिश, बट दूसरी तरफ से स्मोकी गिर के हो चुका है डाउन। स्मोकी को देखने को मिलेगा जो नॉक होते हुए देखने को मिल चुका है, बहुत ही जल्द स्मोकी को जो रिवाइव है गाइस वो भी दिया जाएगा अपने टीममेट के हिसाब से। बात करेंगे जो नॉक है गाइस मिलिट्री बेस के अंदर देखने को मिलेगा, पहले जोन के बाहर देखने को मिलेगा। बात करेंगे फिर तो हाई पार्टी याशोबी के ऊपर जो रश है जो धाबा है गाइस वो भी बोल चुका है। बात करेंगे टीम नंबर 10 का स्क्वाड, क्या तो टीम नंबर 10 का जो स्क्वाड है गाइस पूरी तरह से रश कर चुका, पूरी तरह से सलामी लिया जाएगा। डीबीएस से एक नॉक किया था बट दूसरी टीम के पास, फिर तो टीम नंबर 10 के डीओस के पास भी एक बढ़िया डीबीएस का इस्तेमाल करके टीम नंबर 11 का याशोबी को एलिमिनेशन करेगा। इसके साथ टीम नंबर 11 का हो चुका है सफर खत्म आज का पहला मैच के अंदर एक फिनिश के साथ #14 पे। तो गाइस 13 टीम 46 प्लेयर अभी भी अलाइव आज का इस पहला मैच के अंदर, बट देखना पड़ेगा पहला मैच किस तरीके से शुरुआत होता है हम लोग वो भी देखना पड़ेगा। एंड हम लोग पहला तो गाइस बात करेंगे रावान के बारे में, रावान के पास 0 फिनिश देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से डीओस के पास हम लोग को 1 फिनिश देखने मिलेगा जो टीम नंबर 11 का एक प्लेयर को एलिमिनेशन करके अपने फिनिश पिट को ओपन किया। हम लोग बात करेंगे सर्कल, दूसरी सर्कल का जो शिफ्ट है हम लोग को फिर से गार्ड का पोचिंगी के एरिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से बात करें स्मोकी के बारे में, स्मोकी को दिया जाएगा रिवाइव एंड स्मोकी की तरफ से बात करेंगे स्मोक अपने माइकल का इस्तेमाल करके अपने आप को अपने टीममेट के पास लेके जाते हुए देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 16, टीम नंबर बात करें 9 के बारे में, टीम नंबर 16, टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 6 का स्क्वाड अपने आप को लेके अगर रोटेशन के बीच में। दूसरी तरफ से बात करेंगे प्ले जोन के बाहर, पहले प्ले जोन के बाहर हम लोग को टेक डाउन देखने मिलेगा टीम नंबर 9 का स्क्वाड का, तो टीम नंबर 9 का जो स्क्वाड है एंड बात करेंगे टीम नंबर 9 का जीगॉट हो चुका है टेक डाउन, बट जीगॉट को जो रिवाइव है वो भी दिया जाएगा। जीगॉट को बहुत ही जल्दी अपने आप को बूस्टेड करके अपने आप को प्ले जोन के एरिया के अंदर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। बात करेंगे अच्छा दूसरी सर्कल के अंदर 13 टीमों के साथ 46 प्लेयर अभी भी अलाइव देखने को मिलेगा, बट देखना पड़ेगा कौन सी टीम एक बढ़िया शुरुआत करता है। दूसरी तरफ से टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 2 के बीच जो फाइट है फाइट देखने को मिलेगा। बात करेंगे दूसरी तरफ से हिटमैन के बारे में, हिटमैन हो चुका है टेक डाउन, हिटमैन को नॉक किया जाएगा। एंड टीम नंबर 10 की बात करें, टीम नंबर 10 का स्क्वाड बहुत ही ज्यादा दबाव पे आएगा, आखिरी प्लेयर अपने ग्रेनेड का इस्तेमाल करेगा टीम नंबर 2 के ऊपर, बट देखना पड़ेगा अकेला प्लेयर टीम नंबर 2 के सामने अपने प्रदर्शन कितना बेहतरीन दिखा पाएगा। इन बात करें उसके बारे में, डियोस का जो आखिरी प्लेयर का एलिमिनेशन किया जाएगा इमॉर्टल के हिसाब से, बहुत ही बेहतरीन टीम नंबर 2 का स्क्वाड तीन फिनिशर्स का फिनिश के साथ आज के इस मैच की शुरुआत करने के बाद। दूसरी तरफ से टीम नंबर 10 का एक अली एलिमिनेशन देखने को मिलेगा गाइस एक फिनिश के साथ #13 पे टीम नंबर 10 का हो चुका है एलिमिनेशन। गाइस बात करेंगे सर्कल के अंदर 12 टीम 43 प्लेयर अभी भी अलाइव। फिलहाल तो गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस सर्कल के बाहर देखने को मिलेगा टीम नंबर 16 को। फिलहाल तो जो रोटेशन है टीम नंबर 16 का आई थिंक थोड़ा दिक्कत आ सकता है टीम नंबर 16 के बात करें, तो तीन तीन स्क्वाड एक ही सब जो रोटेशन लेने की जो कोशिश है वो भी कर चुका है। बात करेंगे मॉन्टी ओपी के बारे में,
OP अपने M4 का कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे फाइट के अंदर टीम नंबर 16 के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन निकालने की कोशिश। बट बात करेंगे और एक टीम आज का पैदा टीम नंबर 9 का स्कॉट हम लोग को हाथों देखने मिलेगा। टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 69 टीम नंबर 6 के बीच जो फाइट से फाइट देखने मिलेगा तीन अंडरडॉग टीम आमने सामने आज का जो फाइट है फाइट से बात करेंगे फाइट टीम के देखने के लिए मिलेगा पहले जोन के बाद दूसरे अपने रिकॉर्ड का जो पोजीशन है रिकॉर्ड के लिए दिक्कत आ सकता है क्योंकि हम लोग को देखने मिलेगा एक टीम नंबर 16 का प्लेयर बहुत ज़्यादा नजदीक आ चुका है रिकॉर्ड का जो पोजीशन है पूरी फिर से देखने से बात करेंगे रिकॉर्ड एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज अटैक टीम नंबर 16 का प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा दूसरे अपने रिकॉर्ड बैटिंग दो फिनिश के साथ शुरुआत करेगा रिकॉर्ड टीम नंबर 9 का स्कॉट बिना कोई कैजुअलिटी के साथ 5 फिनिश के साथ आज का इस मैच को शुरुआत कर चुका है। हम लोग गैस फिलहाल तो बात करेंगे दूसरी सर्कल का भी हम लोग स्टार्टिंग देखने मिलेगा दूसरे आपको टीम नंबर 16 की बात करेंगे स्कॉट अपने एक प्लेयर को गवा चुका आखिरी तीन प्लेयर को देखने मिलेगा। बात करेंगे तीन टीमों के बीच का टीम नंबर 9 का स्कॉट रिकॉर्ड अपने गाड़ी का अपने व्हीकल का इस्तेमाल करेगा अपने आप को फाइट से वो मतलब सर्कल के अंदर लेके जाते देखने मिलेगा। बट दूसरी आपसे हाइपर की बात करेंगे हाइपर के साथ हम लोग को टीम हाइपर के साथ हम लोग को कुछ फाइट देखने मिल चुका है। बात करें टीम हाइपर बनाम टीम नंबर 2 के बीच फाइट के बारे में टीम नंबर 2 के तरफ से टीम हाइपर को नॉक किया जाएगा देखना पड़ेगा बहुत ही जल्दी सारे फाइट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट बात करेंगे टीम नंबर 16 का ट्रिपल 9X स्पोर्ट्स के पास इस बनने के बाद जो जिस तरीके का DBS का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है आई थिंक मेरे को लगता है टीम नंबर 6 के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। बट दूसरी तरफ से टीम हाइपर बनाम टीम नंबर आई थिंक टीम नंबर 2 के बीच जो बात करेंगे ट्रिपल 9 के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एक सरप्राइज अटैक टीम नंबर 6 का प्लेयर को किया जाएगा टेक डाउन। देखते देखते टीम नंबर 6 अपने और एक प्लेयर को गवा चुका है। बात करेंगे मोंटी के साथ हम लोग को टीम नंबर 6 का आखिरी प्लेयर को देखने मिलेगा। बात करेंगे 2v3 का फाइट के बारे में टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 16 के बीच जो फाइट थे टीम नंबर 16 के तरफ से अपने आप को बूस्टेड किया जाएगा दूसरी तरफ से टीम नंबर 6 के बात करेंगे टीम नंबर 6 दबाव पे देखने मिलेगा। हम लोग थोड़ी देर के लिए टीम हाइपर के फाइट के बारे में जुड़ेंगे। फिलहाल तो टीम हाइपर एंड टीम नंबर 2 के बीच जो फाइट था फाइट को खत्म किया जाएगा। टीम हाइपर का स्कॉर अपने एक टीम मेट को गवा के टीम नंबर 2 का एलिमिनेशन करेगा सर्कल से एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्लेयर टीम नंबर 2 का स्कॉर देखते देखते आज का इससे पहला इरांगल का मैच के अंदर #12 पे हम लोग को एलिमिनेशन देखने मिलेगा। बट बात करेंगे टीम हाइपर का स्कॉर एक बढ़िया शुरुआत अपनी एक टीम को एक प्लेयर का कैजुअलिटी के बाद 4 फिनिश के साथ अपने आप को इस मैच के अंदर अभी तक जीवित रखा है। दूसरी तरफ का सर्कल स्टार्टिंग ले चुका बहुत ही जल्दी आज का जो तीसरी सर्कल है वो भी देखने मिलेगा। बट देखना पड़ेगा तीसरी सर्कल का कड़वाट किस तरीके से हम लोग मिलता है गैस तीसरी सर्कल के अंदर कौन से टीमों के पास गैस एक बढ़िया सर्कल मिलते हैं वो भी देखना पड़ेगा। बात करें तीसरी सर्कल के बारे में तीसरी सर्कल का जो शिफ्ट है गैस कोचिंग के एरिया के अंदर देखने मिलेगा। बट बात करेंगे टीम नंबर 9 के बारे में फिर तो टीम नंबर 9 टीम नंबर 16 टीम नंबर 6 अभी तक प्ले जोन की बहुत ही ज्यादा दूर देखने मिलेगा। इस तीन टीमों को गैस बहुत ही जल्दी अपने आप को इस प्ले जोन के अंदर लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करेंगे टीम नंबर 16 पे गाइस टीम नंबर 16 पिकाचू फिलहाल तो पिकाचू वाइटी अपने आप को बूस्टेड करने की कोशिश। बट टीम नंबर 6 के लिए गाइस दिक्कत बन चुका है टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 16 के बीच जो फाइट से गाइस प्ले जोन के बाहर दो टीमों के बीच फिलहाल तो इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म करके अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करें मोंटी ओपी के बारे में मोंटी ओपी का फिलहाल गाइस जो पोजीशन है दिक्कत आ सकता है। बट मोंटी ओपी के साथ एक बढ़िया कनेक्शन देखने मिलेगा टिपिन लाइन आई थिंक क्या नाम है इसका एक सेकंड में देख लेता हूँ। फिर तो टिपिन लाइन स्पोर्ट्स का कैसे एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा जिससे तो फाइटर के साथ से टीम हाइपर स्पोर्ट्स का और एक प्लेयर का टेक डाउन। बात करेंगे टीम हाइपर स्पोर्ट्स भी दिक्कत पे आ चुका टीम हाइपर स्पोर्ट्स का मेरे को लगता है पूरी एलिमिनेशन देखने मिलेगा। बात करेंगे टीम नंबर 6 का फाइट के बारे में टिपिन लाइन स्पोर्ट्स की बात करेंगे टिपिन लाइन स्पोर्ट्स का आखिरी प्लेयर इस फाइट को डिसंगेज करके अपने आप को लो एच भी लेकर सर्कल के अंदर लेकर आने की कोशिश। बट इसके साथ प्ले जोन के बाहर टीम नंबर 16 का टेक डाउन देखने को मिलेगा। आज का जो मैच है टीम नंबर 16 का स्कोर देखते देखते एक फिनिश के साथ हम लोग को एलिमिनेशन देखने को मिलेगा टॉप #11 पे। एंड बात करेंगे सर्कल के बारे में तो सर्कल एक बहुत ही बढ़िया कड़वाट ले चुका है। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 5 के बारे में टीम हाइपर का स्कोर जो टीम हाइपर के साथ आखिरी प्लेयर हम लोग को देखने में मिल चुका है आखिरी प्लेयर इस मैच के अंदर इस आज का पहला मैच के अंदर कैसे अपने टीम को कितनी देर तक जीवित रख पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से बात करेंगे टीम नंबर 9 के तरफ से एक लेट रोटेशन एक बहुत ही गाइस जो सोलो गेम प्ले गाइस वो भी देखने मिलेगा। टीम नंबर 9 की बात करेंगे टीम नंबर 9 का स्क्वाड गाइस आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया गेम प्ले टीम नंबर 9 का स्क्वाड पहले देखने के लिए मिला था यासना के अंदर फिर तो दूसरी सर्कल के अंदर गया जार्की के अंदर लूट करके अपने आप को रोटेशन के अंदर लेके आया भाई गजब गेम प्ले
तो टीम नंबर 9 के आसपास गाइस सर्कल के चारों दिशा में हम लोग को देखने को मिलेगा। गाइस यासनान से जर्की के अंदर कब आया कैसे आया मतलब कोई भी पता ही नहीं चला, बट कोई ना गाइस चलो मैच के ऊपर बढ़ते मैच की बात करते गाइस टीम नंबर 8 की बात करेंगे। टीम नंबर 8 का हिट ब्लास्ट ओपी हो चुका है, टेक डाउन ब्लास्ट ओपी को जो रिवाइव गाइस वो भी दिया जाएगा टीम नंबर 8 का स्क्वाड। तो गाइस बात करेंगे से फाइट के बारे में, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 12 के बीच हम लोग कुछ लॉन्ग रेंज का फाइट देखने को मिलेगा। बात करेंगे ब्लास्ट ओपी के बारे में, फिलहाल तो ब्लास्ट ओपी का जो एचपी है गाइस बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा, अपने आप को बहुत ही जल्दी जो बूस्टेड है गाइस वो भी करने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड बात करेंगे तीसरी सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिल चुका है टीम नंबर 9 के बात करेंगे, टीम नंबर 6 का जो टीम है गाइस दोनों टीम गाइस हम लोग को प्लेजोन के बाहर देखने को मिलेगा। जो सर्कल का जो प्रेशर है दोनों टीम के लिए गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत बने चुके हैं। जो गाइस सर्कल का जो दबाव है जो प्रेशर है गाइस दोनों टीम के लिए गाइस थोड़ा दिक्कत बन चुका है। बात करें दोनों टीम बहुत ही जल्दी अपने आप को कोशिश करेगा प्ले जोन के एरिया के अंदर लेके आने के, बट दूसरी तरफ से टीम नंबर 13 के पास एक बहुत ही बढ़िया सर्कल देखने मिलेगा। टीम नंबर 13 के पास एक हाई रिच एडवांटेज, बात करेंगे 42 हिल के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश, बट बात करें फाइट के बारे में तो टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 12 के बीच जो फाइट है फाइट देखने मिलेगा। टीम नंबर 12 की तरफ से एक बढ़िया कनेक्शन टीम नंबर 17 को टेक डाउन, फिलहाल तो गाइस टीम नंबर 17 का जो बंदे का जो पोजीशन है आई थिंक मेरे को नहीं लगता इस बंदे को बचाया जा सकता है, क्योंकि गाइस पूरी तरह से ओपन पे देखने मिलेगा हम लोग। फिलहाल गाइस थोड़ी देर के लिए डार्क को देखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तो डार्क के पास गाइस एक कंपाउंड की एडवांटेज देखने मिलेगा। बहुत ही जल्दी डार्क का जो टीममेट है अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेगा, जो रिवाइव गाइस वो भी देखने मिल चुका है। फिर गाइस बात करेंगे सर्कल के बारे में, बट नेक्स्ट सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस और ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा टीमों के लिए, गाइस दिक्कत बनेगा क्योंकि गाइस बहुत सी सारी टीमों को सर्कल के अंदर अपने आप को लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड बात करेंगे टीम नंबर 17 टीम नंबर 9 अभी तक प्लेजोन के बाहर देखने में सारी टीमों के हिसाब से जो रोटेशन है वो भी हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बात करेंगे आज के जो मैच है 34 सर्कल का शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड शिफ्ट ले चुका। दूसरी तरफ से कुछ फाइट की बात करेंगे, जो फाइट है गाइस आई थिंक रोटेशन के बीच भी हम लोग को कुछ फाइट देखने के बाद बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। फिलहाल तो 70 HP डाउन किया जाएगा। डार्क का जो बाइकल का जो हालात है गाइस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है टीम नंबर 17 का, डार्क के लिए दिक्कत बनेगा। बात करें डार्क को अपने टीम मेट के साथ जाने की जो कोशिश है वो भी देखने के लिए मिल चुका है। टीम नंबर 17 का ऊपर बहुत ही जल्दी जाकर कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को प्ले जोन के एक बढ़िया हिस्से पे लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करेंगे टीम नंबर 8 के बारे में, टीम नंबर 8 को भी एलिमिनेशन टीम नंबर 8 की तरफ से। बात करें डीबीएस के बारे में, डीबीएस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैटा से जाना जाता है टीम नंबर 7। फिलहाल तो गाइस जितनी भी सारी टीम है सारी टीमों के पास हम लोग को एक एक डीबीएस देखने को मिलेगा। डीबीएस बहुत ही ज़्यादा तरफ से हम लोग को फाइट नहीं लेते देखने मिलेगा टीम नंबर 12 के साथ। तो डेविल किंग को थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, बट डेविल किंग 20 HP डेविल किंग को डाउन किया जाएगा। बट दूसरी तरफ से डेविल किंग अपने ग्रेनेड के इस्तेमाल करके टीम नंबर 12 के ऊपर बैक टू बैक ग्रेनेड करने की कोशिश, बट देखना पड़ेगा जो ग्रेनेड है टीम नंबर 12 के लिए गाइस कितना ज़्यादा दिक्कत बनेगा। बात करें ग्रेनेड मोलोटोव गाइस सारे इस्तेमाल किया जाएगा टीम नंबर 12 के ऊपर इस फाइट को कन्वर्ट करने के लिए, बट देखना पड़ेगा अपने ग्रेनेड और मोलोटोव का इस्तेमाल करके टीम नंबर 12 को गाइस कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 8 की बात करेंगे, टीम नंबर 8 टीम नंबर 8 के पास एक बहुत बेहतरीन सर्कल देखने के लिए मिल चुका है। सर्कल का एक सेंटर मिलेगा टीम नंबर 5, टीम नंबर 17, टीम नंबर 9, टीम नंबर 13 अभी तक प्ले जोन के बाहर है। एंड हम लोग बात करेंगे 34 सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिल चुका है। 34 सर्कल के अंदर 9 टीम 28 प्लेयर गाइस अभी भी अलाइव है। हम लोग फिलहाल गाइस बात कर रहे हैं डेविल किंग अपने आप को शैक के अंदर लेकर आए, मतलब एक बहुत ही बड़ा समझदारी की जो काम है गाइस वो देखने को मिलेगा टीम नंबर 8 की तरफ से। दूसरी आपसे जिगॉट के बात करेंगे, टीम नंबर 2 प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा टीम नंबर 9 का।
विजय एक आखिरी मैन स्टैंडिंग अपने टीम के तरफ से, अभी भी अलाइव अपने आप को बूस्टेड किया जाएगा, बट टीम नंबर 13 का जो गाइस जो सलामी ने गाइस आई थिंक मेरे को नहीं लगता टीम नंबर 9 का स्क्वाड ज्यादा देर तक सर्वाइवल कर पाएगा गाइस इस एरिया के अंदर। हम लोग बात करें बहुत ही जल्दी टीम के साथ ग्रेनेड की बारी देखिएगा, हम लोग बात करें गाड़ी ब्लास्ट करके एलिमिनेशन किया जा चुका टीम नंबर 9 का। दूसरी तरफ से टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 17 के बीच भी हम लोग को कुछ फाइट देखते हुए मिलेगा। बात करें टीम नंबर 7 के बारे में, क्या टीम नंबर 7 का स्क्वाड अपने पहला टीम मैच को गवा चुका है। दूसरी तरफ से बात करेंगे गाइस टीम नंबर 7 के तरफ से टीम नंबर 17 के ऊपर कुछ बढ़िया इंपोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश बैक टू बैक स्मोक के अंदर से जो रैंडम शॉट है वो भी लिया जाएगा। बात करें ग्रेनेड के बारे में, तो इधर से टीम नंबर 7 के तरफ से गाइस बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड देखने को मिलेगा। इसके साथ टीम नंबर 17 का एक प्लेयर हो चुका है टेकडाउन। दूसरी तरफ से बात करें टीम नंबर 17 का गद्दार कांक्री प्लेयर, उसको भी एलिमिनेशन। इसके साथ टीम नंबर 17 का स्क्वाड दो फिनिश के साथ हैशटैग 7 पे अपने सफर को खत्म कर चुका है। बात करेंगे प्ले जोन के बारे में, प्ले जोन का जो शिफ्ट है गाइस फिर से एक हार्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। बात करेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल के अंदर टीम नंबर 13, टीम नंबर 8, टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 12 को देखने को मिलेगा। तो गाइस बाय द वे गाइस अभी तक दो टीम प्ले जोन के बाहर है। स्लॉट नंबर 2 को दिखाओ गिरीश भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई इस टीम में जुड़ने के लिए। बार स्लॉट नंबर 2 का जो टीम से बहुत जल्दी गाइस एलिमिनेशन देखने को मिला था टीम नंबर 2 का। एंड आई थिंक मैंने तो फिलहाल गाइस सारी टीमों का फाइट कैप्चर किया था गाइस, इधर से कोई भी फाइट का मेरे को नहीं लगता। हेलो, हाँ अरे स्लॉट मत ले, स्लॉट नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, स्लॉट मत ले, मैं रख रहा हूँ, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ बाद में बात करता हूँ। एंड हम लोग फिलहाल गाइस फाइट के बारे में बात करेंगे, टीम नंबर 7 की बात करेंगे, एम्पोर का इस्तेमाल किया जाएगा टीम नंबर 12 के ऊपर। एंड देखता हूँ टीम नंबर 7 को भी अपने आप को प्ले जोन के साथ लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। बड़ी बात करें टीम नंबर 7 के ऊपर बैक टू बैक शॉट लिया जाएगा एम्पोर का, एंड टीम नंबर 7 का स्क्वाड थोड़ी जवाब में देखते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे प्ले जोन का स्टार्टिंग के बारे में, फिलहाल गाइस प्ले जोन हो चुका है स्टार्टिंग टीम नंबर 14 के, टीम नंबर 14 के दूसरी बात करें टीम नंबर 14 का क्लियर हो चुका है। हम लोग बहुत ही जल्दी टीम नंबर 14 का ये जो प्लेयर है बहुत ही जल्दी प्लेयर का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। बात करें टीम नंबर 7 का स्क्वाड अपने बाइकल का इस्तेमाल करके अपने आप को प्ले जोन की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा। बट बात करेंगे तो जल्द ही शकड़ा हमें गिरा के एक बंदे को टेक डाउन किया जाएगा। इसके साथ टीम नंबर 7 के ऊपर गाइस बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनेगा आपकी, जो प्लेयर अपने आप को प्ले जोन के प्ले जोन के एच पी लेके आएगा। बट देखते देखते टीम नंबर 7 का जो स्क्वाड है पूरी तरह से बिखर जाएगा। आखिरी प्लेयर की बात करें, आखिरी प्लेयर रेंगते रेंगते अपने आप को स्मोक के अंदर से लेके आएगा सर्कल के अंदर। बट देखना पड़ेगा आखिरी प्लेयर अपने आप को कितनी देर तक बचा पाएगा। बट दूसरी तरफ से टीम नंबर 12 की बात करें, टीम नंबर 12 टीम नंबर 13 के तरफ से जो दबाव है वो भी देखने को मिलेगा। टीम नंबर 7 का आखिरी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे आ चुका है। एंड बात करेंगे इसका स्मोक का गाइस पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने की कोशिश। बट बात करेंगे गाइस आखिरी डेड सर्कल के बारे में, फिर गाइस डेड सर्कल का जो जो फाइट है गाइस वो भी देखते हुए मिलेगा। उनको बात करेंगे फिर गाइस बैक टू बैक बहुत सारे फाइट देखते हुए मिलेगा। बात करेंगे जो सर्कल है, सर्कल के अंदर 5 टीम 15 प्लेयर अभी भी अलाइव है। छठे सर्कल का बात करेंगे, छठे सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस वो भी देखने को मिलेगा। टीम नंबर 6 के पास एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे फिर टीम नंबर 7 का जो आखिरी प्लेयर था उसको भी खत्म किया जाएगा ओमकार के हिसाब से। टीम नंबर 13 का ओमकार बहुत ही बेहतरीन एक शॉट, बहुत ही बेहतरीन एक कनेक्शन बनाएगा। इसके साथ टीम नंबर 7 का जो आखिरी प्लेयर था उसको भी एलिमिनेशन किया जा चुका है। बात करें सर्कल के एरिया के बारे में, जो सर्कल है टीम नंबर 12, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर गाइस आई थिंक 13 को, फिर तो तीन टीमों को अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करें मिकी के बारे में, एक बहुत ही मिकी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन इंपोर्ट का शॉट आएगा, टीम नंबर 12 को टेक डाउन करेगा। टीम नंबर 12 का स्क्वाड बहुत ही जल्द अपने आप को इस फाइट को डिसएंगेज करके अपने आप को गाइस प्ले जोन के अंदर लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करें सर्कल, सर्कल का एक बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिलेगा। टीम नंबर 13 का स्क्वाड भी अपने आप को धीरे धीरे करके इस प्ले जोन के अंदर लेके जाने की जो कोशिश है गाइस वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 12 के बारे में, तो टीम नंबर 12 के हिसाब से टीम नंबर 8 के ऊपर एक बढ़िया शॉट आ गया। इसके साथ टीम नंबर 8 का एक प्लेयर का जो कैजुअलिटी है गाइस वो भी देखने को मिल चुका है। हम लोग बात करेंगे जो चिकनार की जो चांसेस है गाइस, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से टीम नंबर 6 के पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है आज का इस मैच को लेके जाने का। विनर चिकनार बात करेंगे टीम नंबर 8 के बारे में, क्या टीम नंबर 8 का स्क्वाड देखते देखते आज का ये जो पहला मैच है, पहला मैच के अंदर हो चुका है एलिमिनेशन टीम नंबर 8 का। पर दूसरी तरफ से टीम नंबर 13, टीम नंबर 12 के ऊपर बैक टू बैक दोनों टीमों के ऊपर जो शॉट है गाइस, शॉट कनेक्शन बनाया जाएगा। देख हो चुका है टेक डाउन टीम नंबर 12 के बाद बड़े जो सर्कल है, इसके बाद नेक्स्ट सर्कल का जो शिफ्ट है, चौथे सर्कल का शिफ्ट और ज्यादा हार्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो तीन तीन टीमों को अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। सर्कल पूरी तरह से ओपन पे जा चुका है, सर्कल का जो दबाव है
तीन टीमों के ऊपर देखने को मिलेगा। आखिरी सर्कल, छठी सर्कल के अंदर तीन टीम, 11 प्लेयर अभी भी अलाइव है। बात करेंगे आखिरी सर्कल के फाइट के बारे में। टीम ने बताया टीम के हिसाब से तीन प्लेयर, चार प्लेयर को देखने को मिलेगा, एक को रिवाइव दिया जाएगा फाइटर के हिसाब से। दूसरी तरफ से टीम नंबर 12 को भी रिवाइव दिया जा चुका है। एंड टीम नंबर 13 का स्कॉन ओमकर को देखने मिलेगा। ओमकर का जो एचपी है थोड़ी डाउन हो तो देखने मिलेगा, बट टीम नंबर 13 का स्कॉन जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके जाएगा। बट बात करेंगे टीम नंबर 6 के बारे में। तो माउंटी ओपी को नॉक किया जाएगा टीम नंबर 6 का। माउंटी ओपी को आलमन निशान के साथ टीम नंबर 6 के हिसाब से एक प्लेयर का हो चुका है आलमन निशान। बात करेंगे आखिरी दो प्लेयर टीम नंबर 6 के हिसाब से अपने आपको इस सर्कल के अंदर किस तरीके से लेके आएगा गाइस, वो भी एक बड़ा सवाल देखते हैं मिलेगा। हम लोग बात करेंगे 30 सेकंड के बाद सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिलेगा टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 12 के पास। इस दोनों टीमों के पास गाइस एक बढ़िया एडवांटेज है। हम लोग बात करें स्काउट, पहले तो स्काउट की तरफ से एक बढ़िया शॉट आएगा टीम नंबर 6 के ऊपर। टीम नंबर 6 की तरफ से एक आखिरी प्लेयर अपने आप को बचाने की कोशिश, बट देखना पड़ेगा टीम नंबर 6 का स्कोर इस रिवाइव को देखिए अपने आप को प्ले जोन के अंदर किस तरीके से लेके जा पाएगा। पहले तो टीम नंबर 6 का स्कोर बहुत ज्यादा दबाव पे देखने मिलेगा। बेहतरीन शॉट AKM-6X का इस्तेमाल करके टीम नंबर 13 के ऊपर बैक टू बैक शॉट लेने की कोशिश। बट बात करें सर्कल दबाव में आएगा, टीम नंबर 6 के ऊपर दबाव डाला जाएगा। इसके साथ गाइस एक प्लेयर टेक डाउन टीम नंबर 6 का पहला कैजुअलिटी देखने को मिलेगा। आखिरी प्लेयर अपने आप को बूस्टेड करने की कोशिश, बट प्ले जोन के बाहर गाड़ी ब्लास्ट करके गाइस एलिमिनेशन किया जा चुका टीम नंबर 6 का। आखिरी दो टीम आमने सामने आएगा टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 13 के बीच जो फाइट देखते हुए मिलेगा। बात करें 4v4 के फाइट के बारे में, टीम नंबर 12 के पास 6 फिनिश देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 13 के पास 10 फिनिश लेके अपने आप को आगे बढ़ाते देखने को मिलेगा टीम नंबर 12 का। साथ आज का पहला मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त गेम प्ले, जबरदस्त प्रदर्शन था पहला मैच के अंदर। विनर चिकन डिनर लेके जाएगा टीम नंबर 13 का। टीम को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। लेट्स गो गाइस। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के अंदर जाएंगे, बहुत ही जल्दी आज का जो दूसरा जो मैच ग्रैंड फाइनल का गाइस बहुत ही जल्दी जुड़ेंगे गाइस। Back to the sound.
sound, back to the sound. We'll be right back.
ashes. Wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes. Wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.
Beastland gonna make man shut up. Like a fire.
फिलहाल तो गाइस बात करेंगे आज का जो ग्रैंड फाइनल का जो दूसरा जो मीरामार का जो मैच है वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे आज का मैच के बारे में। आज के मैच के अंदर हम लोग 13 टीमों के साथ 52 प्लेयर का जो गेम से गाइस वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें प्लिंथपार्थ के ऊपर। तो गाइस मीरामार का जो दूसरा जो मैच है मैच का प्लिंथपार्थ हम लोग को देखने को मिलेगा। बात करें प्लिंथपार्थ के ऊपर हम लोग को देखने मिलेगा प्लिंथपार्थ एलाजा से एक बहुत ही बेहतरीन जो प्लिंथपार्थ है गाइस लॉस एंजेलिस लियोनर्स के ऊपर से जा चुका है। हम लोग बात करेंगे फिलहाल गाइस जो जो टीम एल्पोजो एंड पावर ग्रिप एंड गस वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जाने की कोशिश करके उस चार टीमों के लिए गस थोड़ी आई थिंक गस थोड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। बहुत ही आई थिंक ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है रोटेशन के बीच कुछ फाइट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। देखना पड़ेगा आज का जो दूसरा मैच है दूसरा मैच को किस तरह से प्रदर्शन दिखा पाएगा गाइस। सारे टीमों के हिसाब से एक बढ़िया कमबैक का उम्मीद भी रहेगा। सारी टीम एक बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दूसरी मैच के अंदर दिखाने की कोशिश करेगा। बट देखना पड़ेगा आज का जो दूसरी मैच है दूसरी मैच का विनर चिकन विनर कौन सी टीम लेके जाएगा। फिर दोस्त फर्स्ट मैच की बात करेंगे। फर्स्ट मैच के अंदर टीम नंबर 13 की बात करें टीम नंबर 13 का स्क्वाड एक जबरदस्त गेम प्ले के साथ एक विनर चिकन विनर लेके गया था। बट देखना पड़ेगा आज का जो मैच है दूसरी मैच के अंदर कौन सी टीम एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक करेगा वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे सारी टीमों के बारे में। सारी टीम अपने आप को ग्लाइड करके लेके जाएगा अपने अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। बट हम लोग बात करेंगे फाइट के बारे में। बहुत ही जल्दी गाइस आज का जो दूसरा मैच का जो फाइट हम लोग को देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे दूसरी तरफ से पिकाडो फिलहाल तो पूरी तरह से खाली एरिया देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से एम्पाला भी खाली एंड साइड में फिलहाल तो कोशिश कर रहे हैं हसिंदा के अंदर जाने के अंदर। हम लोग बात करेंगे फिलहाल तो कुछ ड्रॉप क्लश के बारे में बात करेंगे। ड्रॉप क्लश आज के जो फाइट से आज के दूसरी मैच का जो ड्रॉप क्लश है गाइस कौन सी जगह पर हम लोग को देखने मिलता है वो भी देखना। बात करेंगे टीम नंबर 2 के बारे में। टीम नंबर 2 का जो स्क्वाड है इमॉर्टल अपने बाइकल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोडक्शन के अंदर लेकर जगह अपने आप को
एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो लूटी है इस लूट के अंदर लेके जाते हुए देखते मिलेगा। बट देखना पड़ेगा टीम नंबर टू थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच के अंदर टीम नंबर टू का एक बहुत ही जल्दी हम लोगों को एक अली एलिमिनेशन देखने मिला था टीम नंबर टू की तरफ से। बट आज के इस मैच के अंदर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन किस प्रकार दिखा पाएगा, किस तरीके से अपने गेम प्ले खेल पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सर्कल के रिया के बारे में। आज का जो पहला सर्कल है हम लोग चुम्मा सरा लॉस लेनस जुड़ के एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल देखने मिलेगा। आई थिंक जो पहला जो सर्कल है कोई भी टीम के लिए अगर ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने के लिए। बट बात करेंगे दूसरी हफ्ते हम लोग को हसीन के ठीक ऊपर के हिस्से पर हम लोग को फाइट देखने मिलेगा टीम नंबर फोर एंड टीम नंबर एट के बीच। फिलहाल तो टीम नंबर फोर की बात करेंगे, टीम नंबर फोर भी बहुत ज़्यादा नज़दीक देखने मिलेगा उस फाइट के अंदर। डेविल किंग की बात करेंगे, डेविल किंग के हिसाब से लूट किया जाएगा एक बढ़िया जो लूटेगा एंड गोल्डन मिराड चमचमा गोल्डन मिराडो जो काटेगा वो भी देखने मिलेगा टीम नंबर एट के पास। तो गाइस आज का जो दूसरा मैच है गाइस हम लोग को कई भी जगह पे ड्रॉप प्लेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे आज का इस मैच का सर्कल के बारे में। सर्कल एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल ले चुका है, दूसरी तरफ से कोई भी टीम को ले टीम के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं बनेगा। बट टीम नंबर एट का स्क्वाड अभी टीम नंबर सिक्स का जो स्क्वाड है टू का जो स्क्वाड है अभी भी अपने आप को रोटेशन के अंदर लेके जाने की कोशिश कर चुका है। बट देखना पड़ेगा टीम नंबर टू आज का इस दूसरी मैच के अंदर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन किस प्रकार दिखा पाएगा। बट बात करेंगे टीम नंबर फोर के बारे में। टीम नंबर फोर एंड टीम नंबर एट के बीच जो फाइट से गए फाइट आई थिंक मिलेगा। बात करेंगे फाइट के बारे में, टीम नंबर एट के हिसाब से एक बढ़िया कनेक्शन देखने मिलेगा टीम फोर बी एस एक्स अनमोल का। फिर अनमोल का जो एच पी गैस बहुत ज़्यादा डाउन देखने मिलेगा। अनमोल अपने आप को ऑफगार्ड एंगल पे लेके जाके जो हीलिंग से गैस वो भी करते हुए देखने को मिल चुका है। बात करेंगे अनमोल के बारे में, अनमोल एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन से जाना जाता है। बट देखना पड़ेगा आज का जो दूसरा मैच है टीम नंबर फोर का स्क्वाड अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन किस प्रकार दिखा पाएगा। फिर तो गैस जितना भी जनता इस टीम को देख रहा है अभी तक इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गैस फटाफट से जाओ एंड इस टीम को लाइक करो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो बात करें टीम नंबर फोर के बारे में, टीम नंबर फोर का इसका छोटी मोटी कुछ लूट करके अपने आप को लेके जाएगा रोडेशन के बीच सर्कल के जो रोडेशन है वो भी देखने को मिलेगा टीम नंबर फोर के हिसाब से। बात करें टीम नंबर फोर का स्क्वाड आज का इस मीनामार का दूसरी मैच के अंदर अपने प्रदर्शन किस तरीके से दिखा पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे सारी टीमों के हिसाब से जो लूटेगा इस लूट किया जाएगा टीम नंबर सेवन टीम नंबर सेवनटीन टीम नंबर सिक्स एंड उसके साथ टीम नंबर फोर्टीन। अभी तक प्ले जोन के बारे में बात करेंगे टीम नंबर सिक्स के बाद भी टीम नंबर सिक्स के तरफ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा लंबा स्प्लिट देखने मिलेगा जो लूटेगा इस लंबा स्प्लिट के अंदर अपने आप को बस लूट के अंदर लेके जाएगा। बट देखना पड़ेगा आज का जो मैच है टीम नंबर फोर के लिए गैस कितना बेहतरीन होता है। हम लोग बात करेंगे सारी टीमों के बारे में, सारी टीम का इस छोटी मोटी लूट के अंदर जाएगा टीम नंबर सिक्सटीन के बात करेंगे। फिर तो टीम नंबर सिक्सटीन की तरफ से भी हम लोग एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्प्लिट देखने मिलेगा। तीन प्लेयर को गैस हम लोग को लॉस लेना उसके ऊपर ही देखने मिलेगा और एक प्लेयर चुमा से लेकर ठीक नीचे के हिस्से पे देखने मिल चुका। बट देखना पड़ेगा जो स्प्लिट लूटेगा कितना बड़ा लंबा स्प्लिट लूट टीम नंबर 16 के लिए कितना बेहतरीन होता है, क्योंकि इतना लंबा स्प्लिट आई थिंक मेरे को मेरा हिसाब से नहीं लेना चाहिए दूसरे मैच के अंदर, क्योंकि दूसरे मैच के अंदर एक कमबैक मैच है, कमबैक की उम्मीद है सारी टीमों के पास एक बढ़िया गेम प्ले निकाल के एक बढ़िया गेम के अंदर। हेलो कौन है का स्टिंग पर ब्लैक स्टॉर्म, थैंक यू सो मच स्टीम में जुड़ने के लिए। मेरे भाई स्टीम को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ब्लैक स्टॉर्म कौन है का स्टिंग पर एंड गाइस फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 16 के बारे में। टीम नंबर 16 का स्क्वाड चार प्लेयर के साथ आज का इस मैच की शुरुआत करके दूसरे हफ्ते सर्कल देखने मिल चुका है। सर्कल एक बहुत ही बेहतरीन बार बात करेंगे कुछ रोटेशन फाइट के बारे में। टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 12 के बीच जो फाइट्स है गाइस वो भी आई थिंक हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बात करें टीम नंबर 12 के पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है, टीम नंबर 4 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है गाइस गैदर किया जाएगा एंड उसके साथ अपने टीममेट को भी गाइस जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो भी दिया जा चुका है। बात करेंगे टीम नंबर 12 का नूब ओपी इस फाइट को डिसंगेज करके अपने आप को फॉल बैक करते हुए देखने मिलेगा। नूब ओपी इस फाइट को डिसंगेज कर चुका है। नूब ओपी के पास फिलहाल तो देखने मिलेगा दो ए के एम का एक कॉम्बिनेशन, फिलहाल तो दो के एम का ये जो कॉम्बिनेशन है टीम नंबर 12 का नूब के लिए कितना बेहतरीन होता है वो भी देखना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे पहला सर्कल का स्टार्टिंग के बारे में। फिलहाल तो आज का जो पहला सर्कल का जो स्टार्टिंग है हम लोग को 30 सेकंड के बाद इस सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिलेगा। बात करेंगे फिलहाल कुछ कुछ टीम अभी तक प्ले जोन के बाहर है, जैसे टीम नंबर 6 टीम नंबर 7 टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 14
गाइस अभी भी प्ले जोन के बाहर देखने मिलेगा टीम नंबर 13 के पास। पूरी एक सर्कल का एरिया एंड गाइस लॉस जोनस की जो पूरी जो एरिया गाइस वो भी देखने को मिल चुका टीम नंबर 13 के पास। तो बाय द वे बात करें टीम नंबर 13 के पास एक बढ़िया मौका रहेगा बैक टू बैक दो दो विनर विनर चिकन डिनर लेने का। बट बात करें टीम नंबर 12 का स्क्वाड नूब ओपी अपने आप को उस फाइट को डिसएंगेज करके अपने आप को लेके आ चुका गाइस इस अपने टीममेट के पास। एंड गाइस हम लोग को फिलहाल गाइस देखने को मिलेगा अभी तक कोई भी जो फाइट गाइस अभी तक हम लोग कोई भी जगह से फाइट इनिशिएट नहीं हो तो देखने को मिलेगा। बात करेंगे गाइस बहुत ही जल्दी आज का जो दूसरी सर्कल का जो करवाट है गाइस वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे पहला सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिल चुका है। बात करेंगे पहले सर्कल के अंदर 13 team 52 प्लेयर अभी भी अलाइव। एंड हम लोग गाइस बात करेंगे सर्कल के रोटेशन के बारे में। फिर तो टीम नंबर 14 का भी टीम नंबर 14 के तरफ से हम लोग को रोटेशन देखने मिलेगा जो अपने बाइकर का इस्तेमाल करके अपने आप को पहले जोन के अराउंड के अंदर ले गया आएगा। फिर तो पहला सर्कल कोई भी टीम के लिए ज़्यादा मशक्कत का ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ अपने आप को इजीली सर्कल के अंदर जो रोटेशन है वो भी लेके आ पाएगा। देखना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट सर्कल का करवाट दूसरी सर्कल का करवाट किस तरीके से बदलता किस तरीके से हम लोग दूसरी सर्कल का जो शिफ्ट है वो भी जाते देखने मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। अगर जितनी भी जनता टीम को देख लो जल्दी से पटक से जाकर इसको लाइक करो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने वाले एंड हम लोग जल्द गाइस बात करेंगे इन अकॉर्डिंग का उसका जियो फिनिशेस के साथ अपनी जो बैचेज लूटे गए लूट के साथ अपने आप को एक बढ़िया रोटेशन के अंदर लेकर जाएगा। टीम नंबर 14 के बाद एक बढ़िया व्हीकल देखने को मिलेगा जो बग्गी आई थिंक बग्गी मीरामार के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बग्गी लेके गए जो ऊँची ऊँची जो हिल के ऊपर जाने की जो कोशिश है उसका भी गाइस बहुत ही बढ़िया स्टडी होता है। एंड बात करेंगे टीम नंबर 14 के बाद जीरो फिनिशेस के साथ अपने आप को एक बढ़िया रोटेशन के अंदर लेकर जाएगा। हम लोग बात करेंगे आज का पहला एयर ड्रॉप के बारे में। आज का फर्स्ट एयर ड्रॉप जो होगा वो भी देखने को मिल चुका है। हम लोग बहुत ही जल्दी से एयर ड्रॉप को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज का पहला ड्रॉप के अंदर हम लोग को ऑग देखने को मिलेगा उसके साथ लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट एंड बैकपैक एंड उसके साथ गाइस एक गिल्ली बुल्ली सूट देखने मिल चुका है। आज का जो पहला एयर ड्रॉप है एयर ड्रॉप को कौन सी टीम लूटेगा कौन सी टीम लूट करने की कोशिश करेगा वो भी देखना पड़ेगा। बात करें टीम नंबर 17 के बारे में टीम नंबर 17 के तरफ से भी हम लोग को बहुत ही जल्दी जो रोटेशन है वो भी देखने को मिलेगा। टीम नंबर 6 अभी भी सर्कल के बाहर दूसरी तरफ से टीम नंबर 17 के तरफ पर भी रोटेशन लेने की कोशिश करेगा आज का इस दूसरे पहला सर्कल के अंदर जाने के लिए। बट बात करेंगे बहुत ही जल्दी इस पहला सर्कल के बाद जो दूसरी सर्कल का जो शिफ्ट है वो भी हम लोग को पता चलेगा। बट देखना पड़ेगा दूसरी सर्कल का करवाट किस तरह से देखने के लिए मिलता है नीचे की दिशा पर आएगा या सर्कल ऊपर दूसरी दिशा पर जाएगा गाइस वो भी देखना पड़ेगा। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आज का जो दूसरी सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस हम लोग को लॉस लोनोस के एरिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सर्कल देखने को मिला है। टीम नंबर 13 के पास एक बहुत बड़ा जो एरिया है गाइस वो भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। देखिए एंड हम लोग फिलहाल तो गाइस बात करें टीम नंबर 14 का स्क्वाड गाइस जीरो फिनिशेस के साथ 4-4 प्लेयर 4 प्लेयर अपने आप को एक बढ़िया सर्कल के अंदर लेके जाने की कोशिश। दूसरी तरफ से टीम नंबर 16 की बात करें टीम नंबर 16 का ये जो बात करें टीम नंबर 16 के जो स्प्लिट है अभी भी इस लॉन्ग स्प्लिट आई थिंक मेरे को लगता है टीम नंबर 16 का प्लेयर को बहुत ही जल्दी अपने आप को अपने टीममेट के पास लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे आई थिंक इसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल आएगा उसके अंदर थोड़ी दबाव भी फेस करने के लिए मिल सकता है टीम नंबर 16 के लिए। बट बात करें टीम नंबर 16 के स्क्वाड के पास एक बहुत ही बेहतरीन लूट देखने मिलेगा एम्पोस 16 के साथ एक AKM का कॉम्बिनेशन टीम नंबर 16 के पास देखने को मिल चुका है। बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में फिर गाइस 8 फर्स्ट एड देखने मिलेगा इस प्लेयर के पास एंड गाइस एमओ गिरा के गाइस फर्स्ट एड उठाने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब गाइस कुछ हीलिंग्स बैटल का जो कोशिश है गाइस वो भी आई थिंक हम लोग को इस मैच के अंदर देखने को मिल पाएगा यानी वो भी देखना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 16 का जो सिंगल प्लेयर है गाइस एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्प्लिट के अंदर अपने आप को लेके जाएगा। टीम नंबर 7 का स्क्वाड एक आई थिंक एक स्लो गेम पहले हम लोग को टीम नंबर 7 के द्वारा देखने मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 6 टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 17 अपने आप को सर्कल के अंदर लेके आ चुका। बट अभी भी टीम नंबर 7 को अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग गाइस बहुत ही जल्दी इस पहला सर्कल के बाद जो नेक्स्ट सर्कल का जो करवाट है वो भी देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे आज का जो मीरामार का जो दूसरी एयर ड्रॉप है गाइस वो भी देखने मिलेगा। बहुत ही जल्दी आज का मीरामार का दूसरी एयर ड्रॉप के ऊपर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बट देखना पड़ेगा आज का जो मैच है मीरामार का दूसरी मैच
कौन से टीम एक जबरदस्त शुरुआत करता है, टीम को एक जबरदस्त चिकन डिनर के साथ शुरुआत के अंदर लेके जाता है वो भी देखना पड़ेगा। फिर तो गाइस जितनी जल्दी इस टीम को देख रहे हो अभी तक इस टीम को लाइक एंड गाइस अभी तक गाइस यहां चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाक से इस टीम को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। फिर अगर बात करें टीम नंबर 16 के बारे में, टीम नंबर 16 को देखने में मिलेगा अभी तक प्ले जोन के बाहर का जो प्लेयर का प्ले जोन के बाहर देखने मिलेगा। बट बात करेंगे सर्कल के कड़बाट के बारे में, फिर अगर मेरी जो प्रेडिक्शन था लॉस एंजेलिस के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सर्कल देखने में मिलेगा। फिर तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से सर्कल का जो शिफ्ट है हम लोग को लॉस एंजेलिस के एरिया के अंदर देखने में मिल चुका है। अगर बात करेंगे कुछ और भी फाइट के बारे में, टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 17 के बीच जो फाइट है रोटेशन के बीच दो प्लेयर को टेक डाउन, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन टीम नंबर 2 के द्वारा। बट बात करेंगे दूसरी तरफ से स्मोकी को टेक डाउन, टीम नंबर 17 के तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने मिलेगा जो लेके जाएगा स्मोकी को। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 17 के बारे में, तो टीम नंबर 17 के तरफ से अभी भी पैराडॉक्स एंड डार्को पैराडॉक्स जो पिल्सोन के बहुत ही ज़्यादा दूर देखने मिलेगा अपने M249 का M24 का इस्तेमाल करने की कोशिश। बट आई थिंक पैराडॉक्स इस फाइट को डिसेंगेज करके अपने आप को रोटेशन के अंदर लेकर जाएगा। फिर से टीम नंबर 17 का जो टीम है गाइस देखते देखते आज का इस दूसरी मैच के अंदर जो कमबैक का जो उम्मीद था सारी टीम के पास, बट टीम नंबर 17 शुरुआत के अंदर अपने तीन तीन प्लेयर को गवा चुका। बात करें डार्का भी हो चुका है एलिमिनेशन, पैराडॉक्स एक आखिरी उम्मीद अपने टीम का अपने फटा हुआ व्हीकल का इस्तेमाल करके अपने आप को रोटेशन लेके जाते देखने मिलेगा। बट बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बट दूसरी अपने उनका दूसरी सर्कल के बात किए थे, दूसरी सर्कल के अंदर गाइस बहुत ही जल्दी जो फाइट से गाइस वो भी देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे ओमकार के बारे में, तो गाइस ओमकार को नॉक होते देखने में 16 टीम नंबर 13 का जो फाइट है, टीम नंबर 13 जो पहला मैच के अंदर एक बढ़िया चिकन डिनर लेके गया था, बट दूसरी तरफ इमॉर्टल के तरफ से डार्क आ चुका है, सफर करता हम लोग के सामने। बात करेंगे इस मैच के बारे में, टीम नंबर 13 जो पहला मैच के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर के साथ शुरुआत किया था, बट इस दूसरी मैच के अंदर थोड़ी हड़बड़ी के अंदर देखने मिलेगा टीम नंबर 13 का स्क्वाड को। बात करेंगे टीम नंबर 13 का तीन तीन प्लेयर के बारे में, थ्री बी थ्री का जो बात करेंगे फिर गाइस बात करेंगे एक गेम का एक बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया जाएगा। टीम नंबर 6 का दो दो प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। बट बात करेंगे और एक थर्ड पार्टी के बारे में, फिर टीम नंबर 8 का स्कोर कभी भी आ सकते हैं इस थर्ड पार्टी के अंदर अपने आप को लेके। और बात करें फिर ग्रेनेड जाएगा और एक प्लेयर का टेक डाउन, टीम नंबर 16 का इसी में इसी दिक्कत के बारे में बात किया था, लंबा स्प्लिट दिक्कत आएगा। बट बात करेंगे आखिरी प्लेयर के बारे में, आखिरी प्लेयर कुछ कनेक्शन बनाएगा अपने M4 का टीम नंबर 13 को डाउन करेगा, बट अपनी टीम के लिए फिलहाल तो कुछ भी कर नहीं पाएगा गाइस। आखिरी प्लेयर के ऊपर दबाव आज पर पाइकेट को 10 HP गिरा जाएगा। दूसरी तरफ से घोस्ट क्वालिटी टेक डाउन शिवा मोपी के तरफ से, तो बात करेंगे इस दूसरी सर्कल के अंदर हम लोग को बहुत सारे फाइट देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 49 टीम नंबर 4 के बारे में, फिर बात करेंगे टीम नंबर 14 के बारे में, टीम नंबर 14 का स्क्वाड गाइस एक बढ़िया शुरुआत करेगा एक फिनिश के साथ बिना कोई कैजुअलिटी के साथ। दूसरी तरफ से बात करेंगे टीम नंबर 4 के बारे में, टीम नंबर 4 का स्क्वाड घोस्ट क्वालिटी हो चुका है टेक डाउन। तो टीम नंबर 4 के लिए गाइस जो मैच है आज का मीनामार का दूसरी मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड टीम नंबर 4 का स्क्वाड अपने प्रदर्शन इस दूसरी मैच के अंदर कितने बेहतरीन दिखा पाएगा वो भी फिलहाल तो देखना पड़ेगा हम लोग का। हम लोग बात करेंगे दूसरी सर्कल का जो स्टार्टिंग है गाइस वो भी देखने मिलेगा। टीम नंबर 17 की बात करेंगे पैराडॉक्स आखिरी मैन स्टैंडिंग अपने टीम के तरफ से अभी भी एल आई हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरी सर्कल का जो कड़बाट है गाइस हम लोग को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे दूसरी सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिलेगा टीम नंबर 4 का स्क्वाड एंड टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 14 के बीच जो फाइट से बहुत ही ज्यादा फाइट की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे फाइट के बारे में। फाइट हो चुका है स्टार्टिंग, टीम नंबर 4 के तरफ से कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश, टीम नंबर 14 के ऊपर बैक टू बैक कुछ शॉट लेने की कोशिश, घोस्ट क्वालिटी के हिसाब से स्कार का इस्तेमाल किया जाएगा टीम नंबर 14 के ऊपर। दूसरी आपसे ओमेगा किंग, पहले ओमेगा किंग को टेक डाउन किया जाएगा। बात करें टीम नंबर 14 का कैसे कैजुअलिटी देखने मिलेगा, टीम नंबर 4 का स्क्वाड दो फिनिश के साथ शुरुआत करेगा। टीम नंबर 4 के लिए कैसे जो मैच है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, एंड देखना पड़ेगा इस स्टेज के अंदर टीम नंबर 4 का स्क्वाड अपने प्रदर्शन किस तरीके से दिखा पाएगा। एंड हम लोग पहले तो बात करें टीम नंबर 4 का स्कोर का पूरी तरह से दबाव डाल चुका टीम नंबर 14 के ऊपर। टीम नंबर 14 के लिए दिक्कत बनेगा बैक टू बैक ग्रेनेड की कोशिश, पहले जो ग्रेनेड गाइस आती है मेरे को लगता है
सुरविल का एक बढ़िया कनेक्शन मिलेगा तो टीम नंबर 14 के लिए दिक्कत बनेगा। बट बात करें टीम नंबर 14 का और एक प्लेयर को नॉक करने की कोशिश के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोहन वार्ड को टेक डाउन किया उसके साथ, दूसरा राजन गेमिंग एक्स वाइटी को नॉक, राजन गेमिंग छोटा स्कोर देखते देखते एलम निशान टीम नंबर 4 का स्कोर के पास एक बढ़िया एडवांटेज था, बढ़िया मौका था। बट इस मैच के अंदर एलम निशान किया जाएगा टीम नंबर 14 की तरफ से जबरदस्त गेम प्ले। बट बात करेंगे सर्कल के अराउंड के बारे में, आज का जो सर्कल है इसे हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। आज का दूसरी सर्कल का भी स्टार्टिंग हो चुका है, तीसरी सर्कल का बहुत ही जल्दी हम लोग को स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। अगर देखना पड़ेगा तीसरी सर्कल का कट बाट किस तरीके से बदलता, किस तरीके से तीसरी सर्कल हम लोग को बदल तो देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे दूसरी तरफ से टीम नंबर 7 के तरफ से फाइट, फिर तो टीम नंबर 7 का एक प्लेयर हो चुका है टेक डाउन। टीम नंबर 7 का जो लेट रोटेशन है, लेट रोटेशन के अंदर हम लोग को फाइट देखने मिलेगा। बात की गई रोटेशन क्लच के बारे में फिलहाल तो टीम नंबर 7 का एक सेकंड गाइस कैप्चर करने, व्हाट द फक कैप्चर नहीं हो रहा था। बात करें टीम नंबर 7 के बारे में, टीम नंबर 7 का स्कोर अपने दो दो प्लेयर को रोटेशन के बीच का बाकी आखिरी दो प्लेयर रोटेशन के अंदर जाएगा। बट बात करेंगे नेक्स्ट सर्कल के कड़बाड़ के बारे में, चलो नेक्स्ट सर्कल का जो कड़बाड़ है पूरी तरह से लॉस लेने उसके बाहर आते देखने मिलेगा। टीम नंबर 12, टीम नंबर 14, टीम नंबर 7, टीम नंबर 2, तीन चार टीमों को मशक्कत करना पड़ेगा अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने के लिए। बट बात करें टीम नंबर 7 के बारे में, टीम नंबर 7 के हिसाब से हीलिंग्स किया जाएगा। टीम नंबर 2 को दिखाओ जरूर भाई, दिखाएंगे इधर से टैंक उसको मत गिरीश भाई इस टीम में जुड़ने के लिए। टीम नंबर 2 के बात करेंगे, टीम नंबर 2 का स्क्वाड एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा आज के दूसरे मैच के अंदर, एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले 5 फिनिश के साथ बिना कोई कैजुअलिटी के साथ आज का इस मैच को शुरुआत करेगा। बात करेंगे टीम नंबर 2 के बारे में, टीम नंबर 2 का स्क्वाड 5 फिनिश के साथ अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आ चुका है। बात करेंगे टीम नंबर 2 का स्क्वाड इस मैच के अंदर दूसरे मैच के अंदर एक बढ़िया कमबैक कर पाएगा, एक बढ़िया विनर क्या चिकन डिनर लेके जा पाएगा यानी गाइस वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइस इस टीम को अभी तक लाइक नहीं किया, अगर फटक से अगर टीम को लाइक करवा इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। बट बात करेंगे टीम नंबर 2 का स्क्वाड बिना कोई कैजुअलिटी के साथ चार चार प्लेयर अपने आप को एक सर्कल के सेंटर पे खिलाने की आई थिंक जो कोशिश है वो भी हम लोग को देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे इमोर्टल के बारे में, इमोर्टल का जो जो बाइकल का जो हालात है गाइस बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। बाइकल को पूरी तरह से ब्लास्ट किया जाएगा टीम नंबर 17 का पैराडॉक्स की तरफ। बात करेंगे इमोर्टल अपने आप को एक बढ़िया एंगल पर लेके जाने की कोशिश, इमोर्टल के HP जो है वो भी 30 HP गिर तो देखने मिलेगा। पहले तो गाइस पैराडॉक्स एक बहुत ही बढ़िया शॉट बनाया था टीम नंबर 2 के, टीम नंबर 2 का इमोर्टल के ऊपर। इमोर्टल अपने आप को हीलिंग्स कराने की कोशिश दूसरी तरफ से। टीम नंबर 12 की बात करें, टीम नंबर 12 के तरफ से भी हम लोग को जो आई थिंक जो रोटेशन है वो भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से बात करेंगे TP9X स्पोर्ट्स के गाइस आखिरी प्लेयर अपने आप को गाइस एक छोटी सी कंपाउंड के अंदर होल्ड कराने की कोशिश। बट टीम नंबर 16 का स्कोर इस जगह से एलिमिनेशन होगा तो सिर्फ एक ही फिनिश पॉइंट लेके खुश रहना पड़ेगा। टीम नंबर 16 का जो पहला मैच है गाइस, पहला मैच हुआ तो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं हुआ था, बट आज का इस दूसरी मैच के अंदर एक बढ़िया कमबैक करने की कोशिश करना पड़ेगा टीम नंबर 16 को, नहीं तो गाइस दिक्कत भी आ सकता है। हम लोग बात करेंगे सर्कल का स्टार्टिंग के बारे में, पहले 15 सेकंड के बाद जो सर्कल है सर्कल का स्टार्टिंग देखते हैं। मिलकर सर्कल के अंदर 11 टीम 31 प्लेयर अभी भी अलाइव। एंड गाइस आप लोग भी प्रेडिक्शन कर सकते हो गाइस अपने कौन से टीम इस दूसरे मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर के साथ एक बढ़िया कमबैक करेगा। फिर तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से गाइस इस मैच के अंदर टीम नंबर 2 के एक बहुत ही बढ़िया जो चिकन डिनर गाइस वो भी आ सकता है। दूसरे हाथ से टीम नंबर 13 की बात करेंगे, टीम नंबर 13 का स्क्वाड गाइस आखिरी दो प्लेयर अपने आप को तीन तीन फिनिशेस के साथ अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आएगा। इनके से एक बहुत बढ़िया जो सर्कल का जो सेंटर है गाइस वो भी मिल चुका है टीम नंबर 13 के पास। हम लोग बात करेंगे फाइटर के बारे में, फाइटर पूरी तरह से गाइस आई थिंक थोड़ी ऑफलाइन है या रिलैक्स करने की कोशिश कर चुका है। उस हिसाब से चिक नाइट को देखने में मिलेगा, चिक नाइट अपने आप को आई थिंक कुछ रोटी स्काउटिंग करने की कोशिश रूम एंड हम लोग गाइस तो सर्कल के बारे में बात करेंगे, सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस वो भी चलते देखने मिलेगा। टीम नंबर 7 अभी तक पहले जोन के बाहर, टीम नंबर 16 का आखिरी प्लेयर अपने आप को सर्कल के एज पे रख चुका है। बात करेंगे तीसरी सर्कल का स्टार्टिंग देखने मिलेगा बहुत ही जल्दी, आज का जो चौथे सर्कल का जो कड़वाट है वो भी देखने मिलेगा। बट बात ही किए थे टीम नंबर 7 के रोटेशन के बारे में, इसके साथ बहुत ही बेहतरीन एक शॉर्ट टीम हाईपार के ताब से। फिलहाल तो टीम हाईपार का स्क्वाड आज की दूसरी मैच के अंदर हम लोग को पहला फिनिश देखने को मिलेगा, आई थिंक पहला नहीं जो भी फिनिश बता चुका है। तो बात करें पावर गेम आखिरी प्लेयर टीम नंबर 7 का,
इन नंबर सेवन का जो रोडिशन है गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ चुका है जीरो फिनिशेस के साथ एंड एक लेट रोडिशन की जो गलती है वो भी हम लोग को महसूस होते देखते मिलेगा। बात करेंगे आज टीम पैराडॉक्स के तरफ से कुछ इस तरह का एक बढ़िया इस्तेमाल आने इसके साथ कुछ बढ़िया नॉकडाउन देखते मिलेगा। बट बात करेंगे इमोर्टल तो इमोर्टल भी कुछ बढ़िया नॉक करेगा टीम नंबर जो रोडिशन है सर्कल का जो शिफ्ट है टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर आई थिंक 14 टीम नंबर 17 टीम नंबर 13 पहले तो गाइस हम लोगों को गाइस देखने को मिलेगा चार चार प्लेयर अपने आप को रोटेशन के अंदर लेकर जा चुके हैं। दूसरी तरफ से स्नाइपर ओजी के तरफ से एक बढ़िया कनेक्शन टीम अकॉर्डिंग के तरफ से आखिरी प्लेयर एलिमिनेशन हो चुका है शिवम ओपी का। मैं तो टीम नंबर 14 का स्कॉट देखते देखते आज का इस दूसरी मैच के अंदर अपने सफर कर चुका है खत्म। बात करेंगे आज का दूसरी मैच का चौथी सर्कल के अंदर 10 टीम 27 प्लेयर अभी भी अलाइव। गाइस एक सेकंड जस्ट एक सेकंड चलो हम लोग फिर गाइस बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल हम लोग को देखने मिलेगा दूसरे हफ्ते गाइस कुछ फाइट के बारे में बात करें टीम नंबर 12 के बीच हम लोग को कुछ फाइट देखने मिलेगा। टीम नंबर 12 का दो दो प्लेयर का नॉक एंड फिनिश किया जाएगा प्लेयर। तो बात करेंगे टीम नंबर 9 का स्क्वाड जी गॉड हो चुका है टेक डाउन। जी गॉड को किया जाएगा टेक डाउन। बात करेंगे आज के चौथी सर्कल के अंदर हम लोग को आखिर तक जो फाइट गाइस फाइट भी देखने मिलेगा। बात करें टीम नंबर 12 टीम नंबर 19 टीम नंबर सॉरी 9 एंड टीम नंबर 8 के बीच फिलहाल तो तीन तीन टीम आमने सामने आ चुका है। टीम नंबर 9 की बात करें टीम नंबर 9 का स्क्वाड जो पहला मैच के अंदर शुरुआत के अंदर एक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा बट आखिरी तक अपने आप को फिलहाल तो जीता नहीं पाया। बट देखना पड़ेगा जो मैच है गाइस आज का मीरामार का दूसरी मैच जो एक बहुत ही बढ़िया कमबैक करने की मैच है। बट बात करेंगे टीम नंबर 9 के बारे में टीम नंबर 9 के तरफ से जीगोट का एलिमिनेशन देखने मिलेगा। बट देखना पड़ेगा टीम नंबर 9 का स्क्वाड अपने जीगोट को गवा के आखिरी तीन तीन प्लेयर अपने प्रदर्शन अपने डोमिनेशन किस प्रकार दिखा पाएगा आज का इस मीरामार के मैच के अंदर। जितने भी जनता टीम को देख रहे हो इस टीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आकर टीम को लाइक करो एंड उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। एंड हम लोग फिलहाल तो बात करेंगे टीम नंबर 16 का भी आखिरी प्लेयर अपने आप को सर्कल के एज पे लेके आएगा। बट टीम हाइपर वन टीम नंबर 16 का जो फाइट है गाइस वो भी आई थिंक हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिल पाएगा। बट देखना पड़ेगा अभी भी रुद्रा के द्वारा जो स्कार्ल के जिसके हमारे गाइस वो भी करने की कोशिश टीम नंबर 8 की बात करेंगे टीम नंबर 8 को ढूंढने की जो कोशिश है वो भी देखने मिला है। आई थिंक टीम नंबर 8 का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज। बट बात करेंगे फिफ्थ सर्कल के बारे में फिलहाल तो फिफ्थ सर्कल का जो करवाट है और भी ज़्यादा हार्डशिप देखने मिला है। फिलहाल तो टीम नंबर 2 टीम नंबर 17 टीम नंबर 7 टीम नंबर 13 टीम नंबर 5 टीम नंबर 16 को फिलहाल चार पांच टीमों को अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट टीम नंबर 9 के पास करेंगे टीम नंबर 9 के पास एक बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा खासा जो हाई रिच का जो एडवांटेज है वो भी देखने मिलेगा। बात करेंगे रुद्रा के बारे में रुद्रा चारों दिशा पे अपने स्काउटिंग करने की कोशिश करेगा। चार आई थिंक सारे टीमों के ऊपर अपने जो डोमिनेशन है वो भी दिखाने की कोशिश करेगा। बट देखना स्लॉट नंबर 2 को दिखाओ। हाँ भाई स्लॉट नंबर 2 को तो दिखा रहा हो भाई स्लॉट नंबर 2 फिलहाल तो गाइस कुछ फाइट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट बात करेंगे डीएस मैक्स के बारे में पहले तो डीएस मैक्स के पास हम लोग को एक फिनिश देखने मिलेगा। मैक्स के तरफ से स्काउटिंग करने की कोशिश किया तो मैक्स को भी अपने आप को अपने टीममेट को सर्कल के अंदर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करेंगे फाइटर के तरफ से कुछ नॉकडाउन टीम नंबर 12 के बात करें टीम नंबर 12 का फाइटर को आई थिंक टीम नंबर 12 का एक प्लेयर को नॉक किया जाए इसके साथ टीम नंबर 12 का और एक प्लेयर का हो चुका है एलिमिनेशन। बात करेंगे आखिरी दो प्लेयर अपने आप को सर्कल के एज पे लेके आएगा ना कैसे एक बहुत ही बेहतरीन जो कंपाउंड की जो एरिया का वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 7 का आई थिंक टीम नंबर 17 का आखिरी जो पैराडॉक्स था उसको भी एलिमिनेशन आई थिंक बहुत ही जल्दी किया जाएगा या नहीं गाइस वो भी देखना पड़ेगा। पैराडॉक्स के हिसाब से एक आखिरी सर्कल के अंदर एक बढ़िया फिनिश देखने को मिलेगा अपने आप को हीलिंग्स करने की कोशिश करेगा पैराडॉक्स। एंड देखना पड़ेगा आखिरी प्लेयर पैराडॉक्स अपने आप को स्मोक के अंदर रखने की कोशिश। बट पैराडॉक्स को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि इस शैक के अंदर एक बढ़िया ग्रेनेड टीम नंबर 8 की तरफ से आएगा तो पैराडॉक्स के बचना आई थिंक गाइस 99% चांसेस बहुत ज़्यादा कम है पैराडॉक्स का बचना। बात करेंगे पैराडॉक्स अपने आप को बूस्ट कर चुका है पैराडॉक्स को पता चल रहा है। बात ही किए थे ग्रेनेड के बारे में जो फाइट है
5 देखते हैं मेरे पास मीटिंग हाई पर स्पोर्ट्स के बारे में नॉक से गाइस नॉक देखने मिल गए इमॉर्टल अपने इंपोर्ट का एक बढ़िया इस्तेमाल है उसके साथ फाइटर की बात करेंगे फाइटर को भी एलिमिनेशन किया गया है टीम हाइपर का स्क्वाड देखते देखते दो दो प्लेयर का हो चुका है एलिमिनेशन। बात करेंगे टीम नंबर टू के बारे में। टीम नंबर टू का स्क्वाड एक जबरदस्त एक प्रदर्शन दिखाएगा 6 फिनिशेस के साथ जीरो बिना कोई कैजुअलिटी के साथ अपने आप को आगे लेके जाते हुए देखने को मिल चुका। बड़ी बात करेंगे ये जो सर्कल का जो करवाट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल तो सर्कल का स्टार्टिंग तो टीम नंबर कुछ कुछ टीमों के लिए दिक्कत बनने के बाद दूसरी तरफ से टीम नंबर 16 का जो आखिरी प्लेयर था उसका भी एलिमिनेशन हो चुका है नियो की तरफ से। और हम लोग बात करेंगे टीम नंबर आई थिंक पावर गेमिंग गेम के बारे में। पहले पावर गेम अपने इम्पोर्ट का कुछ बढ़िया इस्तेमाल करेगा अपने ओपोनेंट टीम के ऊपर कुछ बढ़िया गाइस दबाव डालने की कोशिश। बात करें पावर गेम तो पावर गेम भी अपने आप को सर्कल के एज पे लेके आगे बढ़े जो सर्कल का नेक्स्ट सर्कल का जो करवाट है गाइस एक बहुत ही बेहतरीन गाइस हार्डशिप देखने मिलेगा। बात करें टीम नंबर 18 के बाद फिलहाल तो टीम नंबर 18 के पास एक बढ़िया मौका आज का इस दूसरी मैच के अंदर गाइस चिकन डिनर के साथ एक बढ़िया कमबैक करने का एक बढ़िया छलांग मारने का गाइस पॉइंट टेबल के अंदर बढ़ देखना पड़ेगा। गाइस हम लोग बात करेंगे पावर गेम के बारे में। पावर गेम अपने आप को बूस्टेड की तरफ लेके जाकर बाहर देखना पड़ेगा आज का जो मीनाबार का जो दूसरा मैच है दूसरे मैच के अंदर कौन सी टीम एक बढ़िया प्रदर्शन दिखा पाता है। फिलहाल तो गाइस अभी तक इस टीम को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से आके इस टीम को लाइक करना उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। हम लोग बात करेंगे छठे सर्कल का जो शिफ्ट है वो भी देखते हैं मिलेगा एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड शिफ्ट गाइस 6 टीमों को मशक्कत करना पड़ेगा अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके जाने के लिए। बट बात करें टीम नंबर 9 टीम नंबर 12 टीम नंबर 7 के हिसाब से आखिरी प्लेयर पावर गेम अपने आप को प्ले जोन के अराउंड के अंदर कैसे लेके जा पाएगा गाइस वो भी एक बड़ा सवाल देखने को मिलेगा। बट बात करें पावर गेम के बारे में पावर गेम प्ले जोन के बाहर से लूट करने की कोशिश आती है मेरे को लगता है टीम नंबर 12 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ चुका पावर गेम के पास। बट दूसरी आपसे बात करें टीम हाइपर का स्क्वाड प्रेशर पे आएगा टीम हाइपर स्पोर्ट्स के ऊपर जो शॉट है गाइस वो भी कनेक्शन बनाया जाएगा गाइस जिसके साथ आखिरी प्लेयर अपने माइकल के पीछे अपने टीम में टीम नंबर 2 के हाथों में। पहले टीम नंबर 2 एक जबरदस्त प्रदर्शन एक जबरदस्त शुरुआत देखने को मिलेगा 8 फिनिश के साथ आज के दूसरी मैच की शुरुआत में बढ़िया कमबैक बट बात बढ़िया फाइट के बारे में क्या तो बात करेंगे टीम नंबर 2 का एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड है इसके साथ टीम नंबर 2 का एक प्लेयर का उस पर टेक डाउन। दूसरी तरफ से बात करें टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 2 के बीच जो फाइट है फाइट के बीचों बीच टीम नंबर 2 के हिसाब से बेहतरीन एक शॉट कनेक्शन बनाया जाएगा टीम नंबर 18 का एक प्लेयर का नॉक एंथनी देखने को मिलेगा और एक प्लेयर को गाइस नॉक करके गुडनी के बाद गिरा दिया जाएगा टीम नंबर 18 का स्कोर देखते देखते इस फाइट के अंदर दबाव पे देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 2 जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन बट बात करें सर्कल के स्टार्टिंग के बारे में जो सर्कल है आज का डेट सर्कल देखने मिलेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 9 के बाद एक बढ़िया मौका इस मैच को जीतने के बाद दूसरी आपसे टीम नंबर 12 का हो चुका है टीम नंबर 12 का स्कॉट आज के इस मैच को गवा चुका। बट बात करेंगे माही के बारे में पहले तो मनी के बारे में बात करें मनी आखिरी मैच स्टार्टिंग अपनी टीम की तरफ से अलाई बट दूसरी आपसे टीम नंबर 2 और टीम नंबर 18 के बीच जो फाइट है वो भी देखने को मिलेगा आखिर तक टीम नंबर 18 को क्या जगह एलिमिनेशन टीम नंबर 2 के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। बट बात करेंगे आखिरी सर्कल के फाइट आखिरी सर्कल के अंदर 3 टीम 6 प्लेयर अभी भी एलाई बट बात करेंगे टीम नंबर 2 के पास एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज एंड गाइस 12 फिनिशेस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन विनर चिकन डिनर की तरफ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ लेके जाएगा। एंड गाइस आप लोग भी गाइस प्रेडिक्शन कर सकते हो कौन से नहीं गाइस मेरी प्रेडिक्शन अभी तो फिलहाल तो टीम नंबर 2 का स्क्वाड के ऊपर जाएगा क्योंकि टीम नंबर 2 के पास गाइस सर्कल के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर के चांसेस बनेगा। हम लोग बात करें मैक्स के ऊपर मैं तो मैक्स के ऊपर कुछ बढ़िया शॉट कनेक्शन बनाया जाएगा मैक्स को नॉक करने की डाउन करने की कोशिश। बट मैक्स अपने आप को इस मैच के अंदर किस तरीके से बचा पाएगा गाइस वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे पावर गेम के बारे में पहले तो पावर गेम बैक टू बैक अपने इम्पोर्ट का इस्तेमाल इमोर्टल इस फिनिश को कन्वर्ट करके जाएगा 13 बॉम्बर फिनिश किया दो 14 फिनिश के बहुत ही नजदीक आ चुका टीम नंबर 2 का स्कोर पर। दूसरी तरफ से बात करें मनी के बारे में मनी आखिरी मैच स्टैंडिंग अपने टीम के हिसाब से अभी भी एलआई भी स्मोक करके अपने आप को बचाने की कोशिश। बट बात करेंगे ज्यादा देर तक आई थिंक मेरे को नहीं लगता मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही जल्दी एलिमिनेशन देखने मिलेगा इसके साथ टीम नंबर 2 के स्कॉट के हिसाब से जबरदस्त गेम प्ले जबरदस्त प्रदर्शन टीम नंबर 2 का स्कॉट लेकर जाएगा 15 अनस्टॉपेबल फिनिश के साथ विनर विनर चिकन। बात करें हैशटैग 2 के बारे में हैशटैग 2 पे हम लोगों को देखने मिलेगा टीम नंबर 9 का स्कॉट को।
तो गाइस टीम नंबर 9 का जो टीम था हैशटैग 2 पे आएगा इस मैच के अंदर 5 फिनिश लेके आना। हैशटैग 3 की बात करेंगे, हैशटैग 3 पे हम लोग को टीम नंबर 7 का टीम देखने मिलेगा जो पावर पावर गेम का जो टीम था हैशटैग 3 पे देखने मिलेगा 2 फिनिश। तो पावर गेम अपने टीम के तरफ से अकेला प्लेयर 2 फिनिशेस उठा चुका है, देखने मिलेगा साइडी मोगर स्लॉट। साइडी में एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश किया, तो बड़ा आज का इस दूसरी मैच के अंदर टीम नंबर 2 के तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशेस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन जो कमबैक है वो भी देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे 15 फिनिश अनस्टॉपेबल गेम प्ले, बट हाईपर के बाद टीम हाईपर फिर से एलिमिनेशन 2 फिनिश के साथ एंड प्लेसमेंट पॉइंट जो है बहुत ज्यादा कम मिलेगा इस टीम के पास। एंड गाइस साइडी मोगर डिस्लॉट भी देखने को मिलेगा, साइडी में बहुत बढ़िया जबरदस्त गेम प्ले जबरदस्त कमबैक करने की कोशिश के बाद आज का इस दूसरी मैच के विनर विनर बन के जाएगा चिकन डिनर टीम नंबर 2 का स्क्वाड बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ। तो गाइस हम लोग चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के अंदर, इसके बाद गाइस ग्रैंड फाइनल का आज का जो आखिरी मैच है बहुत ही जल्दी जुड़ेंगे। अभी तक इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से इस टीम को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग, लेट्स गो गाइस।
stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. Hero in love.
up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets moved, couple hits to the beat. I know that I need time now, so I gotta go and find my way. Listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope you do. What I became so used to, what I thought would be forever.
data science and analytics are not the trends of the future. They're happening right now. So having the skills to work with data is not only valuable, it is
finally tired of all the standby. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. जो भी दिखाओ दिखाया करो स्लॉट 13 भाई स्लॉट 13 को दिखाया या नहीं तुम थोड़ा लाइव में पीछे जाके सारे मैच चेक करके देखो। मैंने भाई सबको दिखाया, बड़े बड़े में सबको दिखाया, लॉबी इतना कम है, मैं क्या गया क्यों फालतू में गया सबको नहीं दिखाऊँ, सबको दिखाया, सबका फाइट ही दिखाया, लॉबी इतना कम है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा दिखाने में, क्यों नहीं दिखाऊँ मैं। इसमें 100 लॉबी का बंदा होता, 100 लॉबी का मतलब लॉबी होता
तो ठीक है भाई, दिक्कत हो रहा था लॉबी दिखाने में, बट भाई 50 बंदे का लॉबी है, कोई दिक्कत कोई चीज नहीं दिखा रहा हूँ सबको, तुम बोले नहीं दिखा रहा हूँ, क्या बताओ। तुम जाके फॉरवर्ड देखो, रिप्ले देखो, तुमको मिल जाएगा कितना दिखाया है या नहीं। तो सब वो सब छोड़ के कैसे हम लोग बात करेंगे मैच के बारे में, आज के स्टैंडिंग का जो आखिरी मैच है, आखिरी मैच देखने में लगा, बात करें 13 टीमों के साथ 50 प्लेयर के जो लॉबी का लॉबी देखेंगे मैच के बाद बात करेंगे। आज का आज आखिरी मैच का गाइस जो आई थिंक जो सर्कल है बहुत ही जल्दी हम लोग देखने वाले हैं क्वार्टर वन डे लेन पार्ट, भाई इतना जल्दी खत्म हो गया, चलो कोई ना। फिर गाइस बात करेंगे आज का जो मैच है गाइस हम लोग को देखने मिल सकता है, सर्कल बहुत ही जल्दी गिर गया, फिर सर्कल तो गिरना चाहिए था, कोई आई थिंक मेरे हिसाब से कोई गाइस गिलीज हो चुका है सर्कल देख के। फिर तो गाइस हम लोग फाइट के बारे में बात करेंगे, फाइट हम लोग को देखने को मिलेगा टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 4 के बीच, फिलहाल तो दो दो अंडरडॉग टीम आमने सामने आ चुका, बात करें टीम नंबर 13 के बारे में, फिलहाल तो टीम नंबर 13 के एक सपोर्टर आके गाइस ऑब्जेक्शन किया था टीम नंबर 13 का फाइट को नहीं दिखा पाए, चलो टीम नंबर 13 के साथ ही शुरुआत करते आज का मैच को। मतलब सर्कल का मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा, अच्छा सर्कल गिर गया। तो आज का जो पहला सर्कल है, पहला सर्कल हम लोग को देखने को मिलेगा, पहले तो नॉर्मल सर्कल, कोई भी टीम को ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, इनका लॉबी भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 13 टीमों के साथ 50 प्लेयर का जो लॉबी का लॉबी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें ड्रॉप क्लास के बारे में, हम लोग को ड्रॉप क्लास देखने को मिलेगा गाइस इस एरिया के अंदर 4v4 का फाइट, दो दो अंडरडॉग टीम आमने सामने आ चुके, बात करेंगे गाइस देव के बारे में, टी एक्स एफ देव अपने टीम के लिए फिर गए और एक ऑफ गार्ड एंगल पे बैठ के फिर तो स्काउटिंग करने की कोशिश, इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है टीम नंबर 13 का देव की तरफ से, बट देखना पड़ेगा अपने एक गेम का कितना बेहतरीन से इस्तेमाल कर पाएगा टीम नंबर 4 के सामने। फिर मेरे को नहीं लगता देव के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, बट देखना पड़ेगा इस मैच के अंदर, इस फाइट के अंदर देव अपने करिश्मे अपने प्रदर्शन कितना बेहतरीन दिखा पाएगा। जितने भी बंदा इस टीम को देख लगा सभी इस टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस टीम को लाइक करो, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बट बात करेंगे फाइट के बारे में, फाइट हम लोग को फाइट इनिशिएट होते बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, बात करें टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 13 के बारे में, फिलहाल तो 4v4 का फाइट, दो दो अंडरडॉग टीम आमने सामने आ चुके, बात करेंगे टीम नंबर 4 के बारे में, फिलहाल तो टीम नंबर 4 के तरफ से हम लोग को तीन तीन प्लेयर को खेलते देखने मिलेगा, बात करेंगे तीन तीन प्लेयर अपने आप को बहुत ही जल्दी इस फाइट के अंदर लेके जाने की जो कोशिश है वो भी किया जाएगा, देखना पड़ेगा टीम नंबर 13 का आज का आखिरी मैच के अंदर अपने प्रदर्शन कितना बेहतरीन दिखा पाएगा, कितना बेहतरीन गेम प्ले दिखा पाएगा, बात करेंगे कोशिश, बात करेंगे टीम नंबर 13 का क्लियर को किया जाएगा नॉक एंड फिनिश, तो टीम नंबर 4 का स्कॉट एक बढ़िया जवाब दिया, एक कार्डी बड़ी को भी किया जाएगा टीम नंबर 13 के, और टीम नंबर 13 का एक प्लेयर को किया जाएगा। बात करेंगे नॉक्स किंग के बारे में, नॉक्स किंग के साथ नॉक्स किंग को किया जाएगा टेक डाउन से, दो प्लेयर की बात के साथ अनमोल के साथ एक बढ़िया फिनिशिंग दीजिए, मेरा दूसरा से देव को पकड़ लेने की कोशिश के साथ देव भी टेक डाउन पे, तो टीम नंबर 13 देखते देखते आज के इस मैच के अंदर एलिमिनेशन की कगार पे आ चुका टीम नंबर 13 के, बात करें टीम नंबर 13 का स्पॉट के साथ हम लोगों का इसको बहुत ज़्यादा कंप्लेन आया था टीम नंबर 13 को नहीं दिखा रहा हूँ, चलो टीम नंबर 13 को दिखा दिया एंड टीम नंबर 13 का स्पॉट दो फिनिशर्स के साथ अपने दो प्लेयर को गवा चुका है, देव घुटने के बाद गिर चुका, आखिरी प्लेयर की बात करेंगे 4OP ओमकार आखिरी एक मैन स्टैंडिंग अपने टीम के साथ से अभी भी अलाइव, एंड दूसरी तरफ बात करेंगे अनमोल का जो HP का वो भी बहुत ज़्यादा लो चुका है, दूसरी तरफ डेविल नाइट फिर तो डेविल नाइट गिर के हो चुका है डाउन, बात करेंगे गाइस और भी कुछ फाइट के बारे में टीम नंबर 8 एंड देखना पड़ेगा बदले गए जो फाइट है। फिर तो फाइट के बारे में बात करेंगे, हाइपर का स्क्वाड को देखने को मिलेगा फाइट के अंदर, टीम हाइपर का स्क्वाड दिक्कत में आ चुका, बात करेंगे गाइस बीस्ट की तरफ से आखिरी बीस्ट अपने टीम के लिए अपने डीके कोशिश किया था, बट बीस्ट को बहुत ही बेहतरीन भयंकर टीम हाइपर आंकड़ी मैंने टीम हाइपर का जो आंकड़ी प्लेयर है अपने प्रदर्शन के बीच इस फाइट के बीच किस तरीके से दिखा पाएगा, बट बात करें टीम हाइपर के लिए बहुत ही दिक्कत बनेगा अपने आप को कोशिश करना पड़ेगा, बैक टू बैक फ्री फायर कोई दोनों तरफ से हमको फ्री फायर दिया जा रहा है, बट टीम नंबर 5 के लिए जो आखिरी प्लेयर के लिए थोड़ा दिक्कत बनेगा इसके साथ टीम नंबर 5 के हिसाब से हीलिंग्स किया जाएगा, बात करेंगे
बोला था मैं दिक्कत डर सकता बट दूसरी तरफ से टीम नंबर एट का एक बहुत ही बेहतरीन कवर पार के साथ टीम नंबर फाइव को मतलब टीम हाइपर स्पोर्ट्स को किया जाएगा। एलम शंबर हाइपर स्पोर्ट जाते जाते टीम नंबर एट के लेकर से एक कैजुअलिटी देखे जाएगा बट दूसरी तरफ से डेविल किंग फिर से गिर के हो चुका है टेक डाउन। बात करेंगे टीम नंबर एट का स्कोर पहले बहुत ही ज़्यादा टेक डाउन देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ से बात करेंगे इस फाइट के बारे में अधूरा जो फाइट था इस टीम नंबर 13 के बारे में फिर टीम नंबर 13 और टीम नंबर 4 का जो फाइट था उस फाइट को डिसंगेज करके टीम नंबर 4 का स्क्वाड आखिरी प्लेयर अपने आप को रोटेशन के अंदर लेके जा चुका है। टीम नंबर 13 की तरफ से दो दो कैजुअलिटी देखने मिलेगा सर्कल आज का आखिरी मैच के अंदर दो दो कैजुअलिटी बहुत ही जल्दी हो चुका है। बात करेंगे फाइटर फाइटर एंड नाइट को गवा के गाइस आखिरी दो प्लेयर अपने आप को गाइस इस एरिया के अंदर खिलाने की कोशिश करेगा। बात करेंगे दूसरी तरफ से अनमोल फिर तो दूसरी तरफ से अनमोल का जो टीम नंबर 4 का जो टीम है टीम नंबर 4 की तरफ से आखिरी प्लेयर अनमोल को देखते मिलेगा जो अपने आप को सर्कल के एक बहुत ही बढ़िया जगह पर लेकर आने की कोशिश करेगा। बाय द वे टीम नंबर 4 का अनमोल के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बनेगा क्योंकि आज का आखिरी मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टीम नंबर 4 के लिए बट बहुत ही जल्दी दो दो प्लेयर का एलिमिनेशन आती है मेरे को लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल का जो शिप बनेगा उस सर्कल के अंदर थोड़ा प्रेशर बन सकता है बट बात करेंगे अनमोल छोटी छोटी लूट के अंदर अपने आप को लेकर जगह आई थी सैनोक के अंदर या कोई टीम हम लोग को हीलिंग बैटल के अंदर देखने के लिए मिलेगा या नहीं गाइस वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे सर्कल का स्टार्टिंग के बारे में आज का जो पहला सर्कल का जो शिप स्टार्टिंग गाइस वो भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 18 का अगर एक अलग ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। टीम नंबर 18 का स्क्वाड अपने आप अपने व्हीकल का इस्तेमाल बताओ अपने व्हीकल नहीं अपने बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा लंबा रोटेशन के अंदर लेके जाएगा। टीम नंबर 18 का स्क्वाड फिर तो पानी के अंदर अपने आप को लेके आ चुका है। पानी के एरिया के अंदर अभी भी हम लोग को बहुत बड़ा एक सर्कल देखने को मिलेगा। टीम नंबर 18 के बाद अभी भी एक बहुत ही शानदार जो सर्कल का जो शिफ्ट है वो भी देखने मिल चुका है। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 18 के बारे में। टीम नंबर 18 का स्क्वाड जीरो फिनिशेस के साथ आज का इस मैच को शुरुआत करेगा। देखना पड़ेगा आखिरी तक टीम नंबर 18 के लिए कितना बेहतरीन जाता है इस मैच। एंड बात करेंगे टीम नंबर 18 अपने आप को लेकर प्ले जोन के एज पे। दूसरी तरफ से हम लोग फाइट के बारे में बात करेंगे फाइट देखने मिलेगा टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 7 के बीच। फिलहाल 4v4 का जो फाइट है दो अंडरडॉग टीम आमने सामने आ चुका। बात करेंगे टीम नंबर 13 फिर तो जितनी भी जनता टीम को देख रहे हो अभी तक टीम को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला से टीम को लाइक करो और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बात करेंगे फाइट के बारे में हम लोग को फाइट देखने को मिलेगा टीम नंबर 12 और टीम नंबर 7 के बीच बहुत ही जल्दी क्योंकि दोनों टीम का बहुत ज़्यादा आमने सामने देखने मिलेगा। स्काउटिंग किया जाएगा दूसरी आपसे टीम नंबर 7 का स्पॉट के ऊपर जो शॉट है वो भी कनेक्शन बनाया जाएगा। फिर इसके साथ हम लोग बात करेंगे काई के बारे में। फिर काई के पास M249 के साथ गए हम लोग को 4x देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं M249 का किस तरह से इस्तेमाल करेगा गाइस इतनी लॉन्ग से हम लोग बात करें M249 आई थिंक इतना लॉन्ग में इस्तेमाल करने में गाइस थोड़ी रिकॉर्ड होगा बट देखना पड़ेगा अपने M249 का रिकॉर्ड कैसे हैंडल कर पाएगा टीम नंबर 7 का स्क्वाड वो भी देखना पड़ेगा। बात करेंगे प्ले जोन का जो आज का गाइस जो पहला सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस वो भी स्टार्ट हो चुका है पहले सर्कल का। तो पहले सर्कल का दबाव आई थिंक कोई भी टीम के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा बट देखना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट सर्कल का जो कटवाट है गाइस किस तरीके से बदलता है किस तरीके से हम लोग को आज का ग्रैंड फाइनल का आखिरी मैच का दूसरी सर्कल देखने मिलता वो भी देखना पड़ेगा। फिर हम लोग दूसरी जगह पे बात करेंगे अभी भी गैस जो रोटेशन है टीम नंबर 2 के हिसाब से 8 के हिसाब से वो भी देखने को मिलेगा। डेविल के बात करेंगे डेविल सर्कल के बाहर है दूसरी तरफ से टीम नंबर 8 का स्क्वाड 4 फिनिश के साथ आज का इस मैच को शुरुआत करेगा। हम लोग फाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं गाइस टीम नंबर 8 के तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन देखिए उसके साथ टीम नंबर 14 के प्लेयर को किया जाएगा टेक डाउन बट बात करेंगे टीम नंबर 8 का बाय से जो पोजीशन है टीम नंबर 8 के लिए गैस थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि गैस इतना ज़्यादा ओपन पे रहना टीम नंबर 8 के लिए गैस मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड गैस स्मोक का बात करेंगे स्मोक का इस्तेमाल करके टीम नंबर 8 के हिसाब से जो रोटेशन है गैस वो भी बहुत ही जल्दी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। बट देखना आज का आखिरी मैच कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएगा बट बात करें ग्रेनेड के बारे में तो बैक टू बैक ग्रेनेड का जगह दूसरी तरफ से ओमेगा किंग की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट आएगा डेविल को लेकर जाएगा। डेविल हो चुका टेक डाउन डेविल का बहुत ही जल्दी हम लोग को एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। टीम नंबर 8 का कैजुअलिटी गाइस दो दो प्लेयर को गवाना गाइस आज का दूसरी सर्कल के अंदर आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट सर्कल के अंदर और भी ज़्यादा प्रेशर बनेगा। टीम नंबर 8 की बात करेंगे टीम नंबर 8 गाइस पर अपने व्हीकल का इस्तेमाल करके अपने आप को लेकर जाएगा फाइट को डिसंगेज करके बाद दूसरी तरफ से डेविल किंग का उसका एलिमिनेशन आज कल बात करें टीम नंबर 14 के तरफ से बैक टू बैक
बैक टू बैक शॉट आएगा टीम नंबर 8 के ऊपर, टीम नंबर 8 का आंकड़े दो प्लेयर अपने आप को या तो उस फाइट को डिसंगेज करके अपने आप को लेके आ चुका है। देखना पड़ेगा, बात करेंगे बहुत ही जल्दी आज का जो दूसरी जो सर्कल लेगा वो भी देखना मिलेगा, देखना पड़ेगा दूसरी सर्कल का खड़वा किस तरीके से हम लोग देखने का मिलता है। बात करेंगे ब्रिज को क्रॉस करते हुए देखने मिलेगा टीम नंबर 1 का आखिरी दो प्लेयर अपने शकाराम का इस्तेमाल करके अपने आप को लेके आएगा सर्कल के अंदर। बट देखना संभाल के व्हीकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि व्हीकल का आई थिंक 70% डैमेज हो चुका है, अंदर देखना पड़ेगा बाकी 30% कोई भी जगह पे जाकर ब्लास्ट हो सकता है। बात नहीं इस व्हीकल को बहुत ही जल्दी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके साथ व्हीकल को फिर से टकराया जाएगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 4 8 को इस व्हीकल को आई थिंक मेरे हिसाब से छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट सर्कल के बारे में, तो नेक्स्ट सर्कल का जो शिफ्ट है वो भी हम लोग को पता चल चुका है। बात करें सर्कल के बारे में, सर्कल देखने को मिलेगा क्वारी के एरिया के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सर्कल। दूसरी तरफ से टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 12 के बीच जो फाइट है अभी भी हम लोग को इस फाइट को देखने को मिलेगा, कुछ लॉन्ग रेंज का फाइट दो टीमों के तरफ से अभी भी हम लोग को कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट दूसरी हफ्ते टीम नंबर 13 के बात करें, टीम नंबर 13 का स्क्वाड अपने दो दो प्लेयर को शुरुआत के अंदर गवा के आखिरी दो प्लेयर देव एंड ओमकार आखिरी दो डेडली डो अपनी टीम को इस मैच के अंदर बचाने की कोशिश करेगा। बट देखता पड़ेगा जो दूसरी सर्कल का जो कड़वाट है टीम नंबर 13 को भी अपने आप को प्लेटून के अंदर लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर सर्कल के अंदर जाना उतना इजीली नहीं होगा स्टेडियम के लिए, बट देखना पड़ेगा टीम नंबर 13 का आखिरी दो प्लेयर ओमकार के साथ देव को देखने को मिलेगा, देव ओमकार के साथ आखिरी मैच को अपने टीम के लिए कितना बेहतरीन बना पाएगा। फिर गाइस बात करेंगे 12 मिनट हो चुका है आज का इस आखिरी सैनोक का मैच के अंदर, हम लोग बात करेंगे आज 12 मिनट के बाद अभी भी 12 टीम 40 प्लेयर अभी भी अलाइव देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे सर्कल का स्टार्टिंग के बारे में, दूसरी सर्कल का जो स्टार्टिंग है गाइस हम लोग को 40 सेकंड के बाद सर्कल का स्टार्टिंग देखने को मिलेगा टीम नंबर 40। एंड दूसरी आपसे बात करेंगे टीम नंबर 9 के प्लेयर के बारे में, टीम नंबर 9 के जो प्लेयर का पूरी तरह से ऑफलाइन देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी, ये जो प्लेयर का जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 14 अपने आप को प्ले जोन के एज पे लेके आ चुका, बट दूसरी आपसे टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 4 का जो दो टीमें गए दोनों टीम अभी तक प्ले जोन के बाहर देखने को मिलेगा। हम लोग फिलहाल इस बात करेंगे टीम नंबर 7 के बारे में, टीम नंबर 7 के पास भी एक अच्छा खासा एरिया देखने को मिल चुका है। हम लोग गाइस सर्कल का स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे, सर्कल का स्टार्टिंग भी हो चुका टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 4 का जो टीम है गाइस अभी भी दो दो टीम सर्कल के बाहर है। पहले बात करेंगे गाइस इस मैच के अंदर 12 टीम 40 प्लेयर अभी भी एल आई, बात करें टीम नंबर 7 का जो स्क्वाड है टीम नंबर 7 का स्क्वाड फिर तो कोशिश करेगा इस मैच के अंदर एक बढ़िया गेम प्ले निकालने का। दूसरी तरफ से टीम नंबर 9 के बात करें टीम नंबर 9 का एक प्लेयर का फिर जोन के बाहर हम लोग को नॉक होते हुए देखने मिलेगा बहुत ही जल्दी, उस बंदे का जो एलिमिनेशन है वो भी होते हुए देखने मिलेगा। हम लोग बात करेंगे फाइट के बारे में, देखते इस फाइट को लूज कर चुका। बात करेंगे आखिरी प्लेयर के बारे में, विजय आखिरी प्लेयर अभी भी आ रहा है, प्लेयर को नॉक किया फिनिश करने की कोशिश था। टीम नंबर 2 के साथ से बढ़िया कवर फाइनेंस के साथ टीम नंबर 2 फिर से शुरुआत एक बढ़िया, टीम नंबर 9 का स्कोर देखते देखते आज के आखिरी मैच के अंदर #12 पे हो चुका है एलिमिनेशन। हम लोग ज्यादा गाइस बात करेंगे इस मैच के अंदर 11 टीम 36 प्लेयर अभी भी एल आई, बात करेंगे सर्कल के स्टार्टिंग के बारे में टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 13 का स्क्वाड अभी भी प्ले जोन के बाहर है। बहुत ही जल्दी आज का जो तीसरी सर्कल का जो कड़वाट है वो भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। देखना पड़ेगा तीसरी सर्कल का कड़वाट किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से हम लोग को तीसरी सर्कल का कड़वाट देखने को मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। गाइस एक सेकंड, जस्ट एक फोन आया, पापा का फोन आया, स्लॉट नंबर 2 भाई दिखा दिया हमें। फिर तो हम लोग गाइस बात करेंगे गाइस टीम नंबर 2 के बारे में, टीम नंबर 2 का स्क्वाड गाइस फिर से एक बढ़िया प्रदर्शन, फिर से एक लाजवाब गेम प्ले करने अपने आप को लेकर जगह। बट बात करेंगे नेक्स्ट सर्कल के बारे में, नेक्स्ट सर्कल का जो कड़वाट है गाइस
और भी ज़्यादा हार्डशिप बनेगा। हम लोग बात करें टीम नंबर 13 के लिए, टीम नंबर 13 के लिए बहुत ही दिक्कत बनेगा अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने के लिए। बट बात करेंगे फाइट के बारे में, टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 14 के बीच जो फाइट है हम लोग को देखने को मिलेगा। टीम नंबर 14 की तरफ से एक बढ़िया कनेक्शन, टीम नंबर 16 को किया जाएगा टेक डाउन। टीम नंबर 16 के प्लेयर को नॉक करते देखने को, और एक प्लेयर को फिर से शॉट कनेक्शन बनाने की कोशिश। टीम नंबर 16 के बात करेंगे, टीम नंबर 16 का स्क्वाड बहुत ज्यादा दबाव पे आ चुका है। टीम नंबर 16 के ऊपर बैक टू बैक शॉट लिया जाएगा टीम नंबर 14 की तरफ से। फिलहाल बात करेंगे जो फाइट है 4v4 का फाइट सर्कल के बाहर देखने को मिलेगा। दोनों टीम को अपने आप को प्ले जोन के एरिया के अंदर पहले आई थी, मेरे को लगता है पहले लेके जाने की जाने के बाद उसके बाद फाइट लेगा, तो दोनों टीम के लिए कैसे एक आई थिंक बढ़िया फाइट होगा। बट देखना पड़ेगा। बात करेंगे प्ले जोन के बारे में, प्ले जोन भी देखने को मिलेगा 30 सेकंड के बाद जो स्टार्टिंग है आज का तीसरी सर्कल का जो स्टार्टिंग है वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 14 के बारे में, फिलहाल तो टीम नंबर 14 का स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ अपने आप को लेके आने की कोशिश करेगा सर्कल के अंदर। तो टीम नंबर 14 का स्क्वाड इस फाइट को डिसंगेज कर चुका है अपने आप को प्ले जोन के एरिया के अंदर लेके आने की कोशिश करेगा। यानी फिर तो बात करेंगे फाइट स्लामिन के अंदर जाएगा टीम नंबर 16 के ऊपर, जो रश है जो स्लामिन है वो भी देखने के लिए। बात करेंगे की तरफ से ग्रेनेड किया जाएगा टीम नंबर 14 के ऊपर, जो ग्रेनेड है मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी ग्रेनेड होगा इसके साथ एक प्लेयर को डाउन। दूसरी तरफ से बात करेंगे टीम नंबर 16 का भी नॉक किया जाएगा, दोनों तरफ एक प्लेयर का हो चुका है नॉक डाउन। देखना पड़ेगा टीम नंबर 16 टीम नंबर 16 और टीम नंबर 14 के बीच जो फाइट है स्पाइट ग्रेनेड किया जाएगा फिर से बढ़िया ग्रेनेड वन गन का फाइट जेज गेल टीम नंबर 14 का, और एक प्लेयर का डाउन की कोशिश के अंदर टीम नंबर 14 के तरफ से बढ़िया कबाड़ा आएगा। इसके साथ टीम नंबर 16 का दो प्लेयर को एलिमिनेशन किया जा चुका है। बात करेंगे गाइस डीबीएस का इस्तेमाल, फिलहाल तो डीबीएस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गन से जाना जाता है, हम लोग बात ही करेंगे गाइस इस डीबीएस के बारे में करा जाएगा टीम नंबर 14 के ऊपर। फिर से एक बढ़िया कनेक्शन निकालने की कोशिश करेगा, बट देखना पड़ेगा टीम नंबर 14 का स्क्वाड दबाव पे आने की कोशिश। बट गाइस हम लोग बात करेंगे कालू आखिरी मैच स्टैंडिंग अपने टीम फाइट नाइट को नॉक किया जाएगा ओमेगा किंग। फिलहाल तो ओमेगा किंग हो चुका है टेक डाउन एंड बहुत ही जल्दी ओमेगा का जो गैस वो भी उठाने की कोशिश करेगा। टीम नंबर 14 आई थिंक मेरे को नहीं लगता टीम नंबर 14 का टीम इस फिनिश को सिक्योर करने के लिए 1v3 का फाइट आखिरी प्लेयर का बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन। बट हम लोग डाल देंगे टीम नंबर 14 के बारे में, क्योंकि टीम नंबर 14 का स्क्वाड अपने ओमेगा नाइट को गाइस गवा नहीं चाहता था। बहुत ही बेहतरीन अपनी एक टीममेट को बिना गवा के इस फाइट के अंदर अपने कोई बिना कोई कैजुअलिटी के साथ 5-5 फिनिश के साथ आज का इस मैच की शुरुआत करेगा। एंड दूसरी आप बात करें टीम नंबर 7 के बारे में, टीम नंबर 7 का एक प्लेयर प्ले जोन के बाहर। फिर गाइस आज के इस ग्रैंड फाइनल का गाइस इतना इंपॉर्टेंट मैच के अंदर प्ले जोन के बाहर ऑफलाइन रहना आई थिंक मेरे हिसाब से गाइस एक बहुत ही ज़्यादा खराब डिसीजन है। हम लोग बात करेंगे तीसरी सर्कल का स्टार्टिंग देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी, आज का जो चौथी सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस वो भी देखने को मिलेगा। एक सेकंड मैं तो बात करेंगे टीम नंबर 7 के बारे में, टीम नंबर 7 का स्क्वाड गाइस 0 फिनिशेस के साथ आज का इस आखिरी मैच का शुरुआत करेगा। बात करेंगे चौथी सर्कल का शुरुआत के बारे में, क्या तो चौथी सर्कल का जो स्टार्टिंग है गाइस वो भी हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। हम लोग को जो सर्कल है चौथी सर्कल का जो कड़वाट है गाइस वो देखने को मिल चुका है टीम नंबर बात करें टीम नंबर 18 के पास एक बहुत ही बढ़िया सर्कल बस सर्कल के एज पे जो फाइट है फाइट देखने को मिलेगा 8 एंड टीम नंबर 6 के बीच जो फाइट है फाइट देखने को मिलेगा। बात करेंगे टीम नंबर 8 के साथ एक बढ़िया सरप्राइज अटैक बट पीछे से टीम नंबर 7 के तरफ से थर्ड पार्टी के साथ टीम नंबर 8 का जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिल चुका है। बात करेंगे टीम नंबर 6 के बारे में, टीम नंबर 6 के अपने आप को बचा पाएगा इस फाइट के अंदर या नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बढ़िया थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है टीम नंबर 7 के तरफ से। बात करेंगे टीम नंबर 7 का भी एक कैजुअलिटी देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ से राजन गेमिंग वाइटी को जी रिवाइव वो भी दिया जाएगा बहुत ही जल्दी।
चलो हम लोग गाइस बात करें टीम नंबर 7 के ऊपर। कुछ बढ़िया शॉट लिया जाएगा टीम के अंदर, रैंडम शॉट लेने की कोशिश, बट देखना पड़ेगा। हम लोग गाइस फिलहाल तो बात करेंगे टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 4 के बीच जो फाइट है, टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 4 के बीच जो फाइट है सर्कल के एचपी ओ भी हम लोग देखेंगे। उस पर टीम नंबर 2 को टेक डाउन को बहुत ही ज्यादा स्कोर का इस्तेमाल करके टीम नंबर 2 का स्मोकी को टेक डाउन किया जाएगा। बात करें स्मोकी क्या इसमें स्मोकी को क्या बचाया जा सकता है यानी वो भी देखना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे बहुत ही जल्दी स्मोक का इस्तेमाल करके ना एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन एक हार्ट कवर के अंदर अपने आप को लेकर आएगा स्मोक की। एंड बात करेंगे कुछ और भी फाइट के बारे में, टीम नंबर 4 का जो आखिरी प्लेयर है वो भी दिक्कत में आई थिंक आ सकता है। देखता हूं टीम नंबर 4 का आखिरी प्लेयर अनमोल अपने आप को टीम नंबर 6 के सामने पूरी तरह पूर्ण डन रख चुका। बट बात करेंगे सर्कल के बारे में फिलहाल तो इसके बाद जो फिफ्थ सर्कल का जो शिफ्ट है गाइस और भी ज्यादा हार्ड शिफ्ट ले चुका, और भी ज्यादा कड़वाड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल ओपन पे सर्कल देखने को मिलेगा। बात करेंगे टीम नंबर 2, टीम नंबर 14, टीम नंबर 6, टीम नंबर 4, टीम नंबर 7, टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 12। अभी तक प्ले जोन के बाद दूसरी तरफ से गाइस टीम नंबर 14, टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 2 के बीच जो फाइट है वो देखने को मिलेगा। बात करेंगे स्मोकी और जुगा टेक डाउन मैक्स एंड ओजी आखिरी दो प्लेयर, बट आखिरी दो प्लेयर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले देखते देखते टीम नंबर 14 का पूरे टीम को लॉबी के बाहर भेजा जाएगा। दूसरी हफ्ते टीम नंबर 17 की बात करेंगे, टीम नंबर 17 का भी हम लोग को और एक कैजुअलिटी देखने को मिलेगा। देखना पड़ा पैराडॉक्स एंड डार्क्स आखिरी दो प्लेयर अपने प्रदर्शन कितना बेहतरीन दिखा पाएगा। दूसरी हफ्ते गाइस नोब ओपी को, नोब ओपी को टेक डाउन किया जाएगा। नोब ओपी हो चुका टेक डाउन, बट बाद में सैनोब का मैच मतलब गाइस आपका जो मैच है गाइस वो भी देखने के लिए मिलेगा। हम लोग गाइस फिलहाल तो बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स प्लेस जोन के बाद देखने को मिलेगा सर्कल का जो प्रेशर है दोनों टीमों के पड़ा तो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 2, टीम नंबर 6 की बात करें, टीम नंबर 6 का भी एलिमिनेशन हो चुका है। टीम नंबर 6 का स्क्वाड आखिरी प्लेयर अभी भी एलाई, बट देखना पड़ा आखिरी प्लेयर अपने आप को प्ले जोन के एरिया के अंदर कैसे लेके आ पाएगा। बट बात करेंगे 9 फर्स्ट एड के साथ एक हीलिंग बैटल की जो कोशिश है वो भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 13 का हो चुका है एलिमिनेशन। बात करेंगे टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 12 के बीच फाइट के बारे में, जो फाइट है कुछ लॉन्ग रेंज का फाइट देखने को मिलेगा। हम लोग बात करेंगे M249 में 4x का इस्तेमाल करने की कोशिश एंड टीम नंबर 7 के तरफ से आखिरी प्लेयर अपने टीम को कैसे बचा पाएगा, कैसे इस फाइट को अंजाम दे पाएगा वो भी एक बड़ा सवाल हम लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे टीम नंबर 12 के हिसाब से भी रिवाइव देखने को मिलेगा। प्लेस जोन का जो प्रेशर है वो भी आ चुका है टीम नंबर 7 के ऊपर। बहुत ही जल्दी अपने आप को छठे सर्कल के अंदर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा। आज का जो छठे सर्कल टीम नंबर 4 का अनमोल को भी खत्म, टीम नंबर 4 का स्कोर 3 फिनिश के साथ आज का इस मैच के अंदर, आज का आखिरी मैच के अंदर #7 पे एलिमिनेशन। पर बात करेंगे प्लेस जोन के बाहर के बारे में, टीम नंबर 7 का स्कोर प्लेस जोन के बाहर दिक्कत में आ चुका। टीम नंबर 7 का आखिरी प्लेयर की बात करेंगे, आखिरी प्लेयर अभी भी एल आई, बट टीम नंबर 12 एंड प्ले जोन का जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है टीम नंबर 7 के ऊपर, आई थिंक मेरे को नहीं लगता ज़्यादा देर तक बच पाएगा। दूसरी आपसे टीम नंबर 18 का गाइस और एक प्लेयर का कैजुअलिटी देखने मिलेगा। टीम नंबर 18 का आखिरी प्लेयर को सर्कल के अंदर बात करें टीम नंबर 12 के तरफ से, टीम नंबर 7 के ऊपर फिर से एक बढ़िया कनेक्शन, फिर से एक बढ़िया डैमेज देखने मिलेगा। बात करें इस फाइट के बारे में, बट दूसरी तरफ से टीम नंबर 12 का प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। टीम नंबर 18 के हिसाब से टीम नंबर 18 का कोशिश करा जाएगा। बट दूसरी तरफ से गाइस एक बहुत ही बेहतरीन मोड ऑफ के साथ टीम नंबर 7 को आई टीम को लगता है बहुत ही जल्दी एलिमिनेशन किया जा सकता है। बट देखना पड़ेगा दूसरी तरफ से नियो कुछ जबरदस्त जो फिनिशर्स है गाइस वो भी उठाने की कोशिश करेगा। बट बात करेंगे प्ले जोन के दबाव के बारे में, फिलहाल तो दोनों टीमों के ऊपर प्ले जोन का दबाव देखने को मिलेगा। दोनों टीम को बहुत ही जल्दी इस फाइट को डिसएंगेज करके या फाइट को खत्म करके अपने आप को प्ले जोन के अंदर लेके आने की कोशिश करना पड़ेगा। बट बात करें टीम नंबर 12 के तरफ से स्मोक का इस्तेमाल, पैराडॉक्स भी प्ले जोन के बाहर का था, नियो को एलिमिनेशन किया जाएगा मैक्स के तरफ से एंड टीम नंबर टू की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगा हीलिंग बैटल। टीम नंबर 7 का भी आखिरी प्लेयर अपने आप को हीलिंग बैटल के अंदर लेके जा चुका, स्मोकी का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। टीम नंबर 2 का आखिरी प्लेयर अपने आप को लेके आएगा सर्कल के अंदर। फिर टॉप 3 टीम 7 प्लेयर अभी भी एल आई वैन का हम लोग बात करेंगे। एक टीम पे तो गाइस प्ले जोन के बारे में हम लोग को हीलिंग बैटल के अंदर जाते देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोनों टीम के बारे में, दोनों टीम हम लोग को सर्कल के अंदर एंड बात करें टीम नंबर 7 का जो गाइस आखिरी प्लेयर है बहुत ही जल्दी होगा एलिमिनेशन एक फिनिश के साथ #3 पे जो सफर था गाइस वो भी हो चुका खत्म। एक सेकंड
एंड हम लोग गाइस बात करेंगे स्नाइप ओजी के बारे में, स्नाइप ओजी प्लेजोन के बारे में, हम लोग को हीलिंग्स बैटल करते देखने मिलने के बाद में मैक्स के बारे में। टीम नंबर टू का आखिरी प्लेयर के बारे में, आखिरी प्लेयर अपने आप को हीलिंग्स बैटल के अंदर लेकर जाएगा। सेवन अभी भी सात फर्स्ट एड के साथ हम लोग को हीलिंग्स बैटल करते देखने मिल चुका है टीम नंबर टू का आखिरी प्लेयर को। आखिरी प्लेयर अपने आप को कितना देर तक बचा पाएगा गाइस वो भी देखना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे टीम नंबर 12 का भी एक प्लेयर का, हम लोग को एलिमिनेशन देखने मिलेगा प्ले जोन के बाद। एंड गाइस आज का जो मैच है सैनोक का, आज का आखिरी मैच के अंदर टीम नंबर 12 का स्क्वाड एक जबरदस्त प्रदर्शन के साथ विनर चिकन डिनर लेकर जाएगा। टीम नंबर टू के बात करेंगे, टीम नंबर टू के पास 9 फिनिश हैशटैग 2 देखने मिलेगा। टीम नंबर 12 का स्क्वाड के पास 5 फिनिश हैशटैग 1। तो गाइस जो फिनिश पॉइंट है फिनिश के साइड से गाइस थोड़ी कम देखने मिलेगा टीम नंबर 12 के पास, बट गाइस चिकन डिनर विनर चिकन डिनर आज का इस आखिरी मैच के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। एंड हम लोग ज्यादा गाइस बात करें टीम नंबर 2 का आखिरी प्लेयर के पास और कितना फर्स्ट एड गाइस वो भी देखते हैं। एंड गाइस आखिरी जो फर्स्ट एड है उसका भी इस्तेमाल हो चुका है, इसके साथ विनर चिकन डिनर टीम नंबर 12 के पास जा चुका 5 फिनिश के साथ आज का इस आखिरी मैच को चिकन डिनर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ से टीम नंबर 2 का स्क्वाड के पास हैशटैग 2 देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। एंड गाइस फिलहाल तो रिस्लॉट नहीं दिखाया गया आज का इस आखिरी मैच के अंदर, गाइस रिस्लॉट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा रिस्लॉट, क्योंकि जो गिलीज हो रहा है BGMI के अंदर मेरे साथ गाइस ए देखे 3 बार गिलीज हो चुका है ऐसा, तो उसके बाद गाइस रिस्लॉट भी नहीं दिखा। चलो गाइस फिलहाल तो गाइस आज का जो बैक टू बैक जो ग्रैंड फाइनल का जो मैच था गाइस वो भी हो चुका है। गाइस हम लोग कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट स्क्रीम के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच इस टीम में जुड़ने के लिए। अगर इस टीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाक से अगर इस टीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई लोग, लेट्स गो गाइस। तो गाइस चलते कल फिर से मिलेंगे गाइस, गुड नाइट, टेक केयर गाइस सब लोग को। एंड गाइस फिलहाल तो बाय बाय गाइस। Tell me what's your life. Go!